गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट गुड नाइट बाद में बोलेंगे uh, तो आई थिंक uh, कल होपफुली आप लोगों ने देखा होगा uh, जो हम हमने किया तो था पांच दस मिनट का एपिसोड बट <laughs> uh, <laughs> uh, थोड़ा और छोटा भी हो गया लाइव कल का बट uh, काफी सारी चीजें उसमें अनकवर हुई राइट So, इसमें क्या कहते हैं अभी um, के हिसाब से ज्यादा कुछ तो नहीं है बस हाइलाइट्स uh, है कि uh, किस तरह से ये लोग uh, टास्क की तैयारी कर रहे हैं एंड सिद्धार्थ वाज बेसिकली टेलिंग द टीम कि तुम लोग पहले यू you नो know, कड़ी पत्ता और मोमो के ऊपर फोकस करो और uh, और हमने देखा कि किस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं काटा और मोमो लड़ने की बट वो लड़ नहीं रहे थे मजे कर रहे थे घास घास पे लोड कर थे। रहे थे हाँ हाँ फिर जो फिजिकल आ, का फिजिकल एस्पेक्ट आया फिजिकल एग्रेशन जो आया वो था मोमो ने शुरू किया था आ, किसी और ने नहीं किया था कांटा ने भी कि नहीं किया था एक्चुअली बट मोमो ने किया था ओके सो दीज हाइलाइट्स सो टास्क राउंड वन बिग बॉस खत्म हाँ और एक और चीज देखी झमुरी किस तरह से uh, किस तरह से शहनाज को मौका नहीं दिया बिकॉज शहनाज का बास्केट लेके घूमे जा रही थी चांस अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट एग्स ओके ये था रिकैप और बाकी सब तो जो कलरफुल था वो हमने कल किया शो एंड टेल भी किया टूअर्ट द एंड तो आप लोग जाके वो वापस एपिसोड देख लें तो बेहतर रहेगा तो आपको समझ में आएगी चीजें अभी हम शुरू करते हैं पार्ट फाइव स्नेहा हमने काफी कुछ कवर कर लिया था कल so, okay. तो ये होता है फोर फोर्टी फाइव का सीन से स्टार्ट होता है दिस इज एपिसोडोड पार्ट फाइव ओके Uh, तो यहाँ पे का यू नो इज़ बाय द वीवो कॉर्नर शहनाज और मोमो भी वहीं पर है ओके okay, फिर शहनाज बोलती है वहां पर कि अरे टू ड्रिंक सम कॉफी जा रही हूँ प्लीज प्लीज मेरा मॉर्निंग आई एम टुडे ओह गुड 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 हाय ओके सो तो शैनाज बोलती है uh, अब अब इनकी स्ट्रैटेजी एक के लिए खेलते हैं यू you नो know, मेरे से पूछ अगर ऐसा हुआ तो फिर एक के लिए खेलते हैं अगर ऐसे नहीं हुआ तो फिर तुम अपने लिए खेलो ऐसे तो शी इज बेसिकली टेलिंग कि दूसरी uh, दूसरी टीम क्या सोच रही होगी तो सिद्धार्थ ना जिम मिरर 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 में 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 देख 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 रहा रहा है है जिम जिम के तो लेकिन उसका पूरा ध्यान शहनाज के ऊपर है ये पूरा टास्क <laughs> में सिद्धार्थ का ध्यान सिर्फ शहनाज के ऊपर था बिकॉज वो आई थिंक क्राइम बेबी के पास बैठी हुई थी भी वो चेयर पे है ना हाँ. तो हाँ और नहीं जब सुबह से जब की जैकेट पहनी थी तब से 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 ध्यान हा। <laughs> हाँ, बिल्कुल वो मतलब शुरू कर हमको बात भी नहीं करनी है हमको बच्चों की तरह लड़ना है फिफ्थ क्लास के बच्चों की तरह एंड देन हमको एक दूसरे को देखना भी है तो वो चल रहा था वो दोनों का पूरे टाइम हाँ, करेक्ट 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 तो तो अभी देखो शहनाज इज स्टिल इरिटेटेड हिम कि तूने ने झमुरी को कैसे बोला कि शहनाज का क्यों भर रही है शहनाज का क्यों भर है <laughs> तो वहां पे, अटक रही वहां पे हम की वहीं पर है हमारी सना बेबी उधर ही सोच रही है ठीक है ओके अभी सिद्धार्थ ना अपने तो वो ऐसे मतलब कैसे वाव जैसे बोलते ना वैसे अपने लिप्स को वो कॉल करता है फिर शहनाज इज यू नो कंटिन्यूसली नो मुझे पूछ ले सब कुछ, तो होता है। क्या बात है यार ये, ये 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 फायदा होता है जब इंसान दोनों जगह लौटता है तो उसका सबका पता रहता है वेरी गुड तो सिद्धार्थ ना ऐसे उसको मतलब वन टू वन देख रहा है ठीक है इज मेकिंग आई कांटेक्ट विथ हर जो शैनज अपना हाथ हाथ उठाती है अह uh, क्या बात है ऐसे कुछ बोलती है एंड ही सेस वेरी गुड वेरी गुड बहुत सार्केज्म में बात कर रहा है सिद्धार्थ ओके okay. uh, फिर uh, सिदात को लग रहा होगा इतनी घडी देखी नहीं मैंने मैं क्या <laughs> बोल रहा हूं और ये क्या बोले जा रही है <laughs> तो अह uh, तो वो बोलती है कि कल कल यू you नो know, बता के बोला था कि सपोर्ट करूंगी अः यू नो तुझे तुझे uh, शरआम बोला था शर्याम हाँ. बोला था ऐसे बोलती है तो फिर यहाँ पे सिद्धार्थ अपने अप करता है है और बोलता वेरी गुड आप हमेशा अपने बातों पे कायम रहती हैं बिल्कुल तो तो कौन मना कर रहा है आपको कोई कुछ कुछ बोल रहा है सो दिस इज सिद्धार्थ सेट यूर डूइंग Uh, she is so irritated it's like और वो सिर्फ uh, शहनाज को वो कर रही है तो इसीलिए सिद्धार्थ वहां पे एक कॉमेंट करता है मेरे को जितना समझ में आया कि uh, दोनों जगह लौटती है बोल, बोलता है बट हियर ही कि uh, कि तुम अपने अपने बातों पे हमेशा कायम रहती हो हाँ सो दैट दैट वॉज टू से आई आई अग्री विथ यू दैट यू डू यू मतलब लाइक सिद्धार्थ की तरफ से कोई इश्यू नहीं था उसको सिद्धार्थ की सुई अटकी हुई थी जैकेट पे शहनाज की सुई अटकी हुई थी वो वो बास्केट पे कि शहनाज का क्यों भर रही है करके वो दोनों का सुई वहीं पे अटका था पर्सनल इसमें गेम के इसमें गुड टाइम विथ बिकॉज वो उलझा कर अदर साइड क्योंकि अगर उसको पता है की इसकी स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी होती है तो अगर वो अदर साइड से खेलेगी तो लाइक uh, गेम like बराबर की टक्कर की रहेगी एंड उसको पता था सिद्धार्थ को कि शहनाज का क्या इफेक्ट है क्राई बेबी पे क्राई बेबी पूरा उसके क्या बोलते हैं बातों में आ जाता है जब भी hmm. शहनाज उसके साथ होती है ना यू सी द्राई बेबीफिडेंस बी इट इज कैप्टन उसका जो कैप्टनसी का टास्क है बिल्ली वाला टास्क है उसको पता है जहां शहनाज उसके साथ है he will, he will win. तो क्राईबेबी भी देखो पूरे टास्क में सिर्फ उसकी सुन रहा है सो सिद्धार्थ वॉज ऑल ओके विथ वॉट वॉज गोइंग ऑन इसके लिए वो बोलती है आप अपनी अभी तू से आप पे आ गया आप अपनी बात <laughs> जब भी इनका झगड़ा होता है ना स्टार्ट uh -huh. तू से होता है लाइक लाइक like, तूने उसका जैकेट कैसे पहन लिया बे <laughs> उसका जैकेट ही मिला तेको पहनने के लिए <laughs> हाँ पूरे घर <गर> में <laughs> तो वो तू से अभी अच्छा, आप पे आ गया है आप पे गया आगे कहा जाता है <laughs> अभी टॉन्टिंग शुरू हो हाँ गया दोनों का हाँ ओ मैन ओके तो फिर uh, <laughs> तो तो ही से मैं कुछ मैं मैं आपको कोई कुछ बोल रहा है आपको कोई कुछ बोल रहा है ऐसे बोलता है शहनाज बोलती है आपने भी बहुत कुछ दिखा दिया है अभी mm. ओए जमुरी शनाज का क्यों भर रही है तो हाँ ऑब्वियसली यू नो बोला uh, कि शहनाज का क्यों यू you नो know, भर रही है हाँ बिल्कुल शहनाज का क्यों भर रही है तो शहनाज क्योंकि शहनाज का कोई छुएगा नहीं इसलिए यहाँ पर शी फिगर्स इट आउट

हाँ उसके वजह से किसी ने उसको नहीं बचाया तो करेक्ट करेक्ट एब्सोल्यूटली आह सॉरी टू कट यू बिल बिल आप कंटिन्यू करो हाँ नहीं नहीं सॉरी सॉरी नो नो तो फिर सिद्धार्थ से uh, गलत फैमिली में हो तुम बहुत बड़ी <laughs> तो

इनका आगे पीछे होता है फिर शेना से इसकी एक सेकेंड छू के दिखा छू के दिखा उसका वो चालू हो गया तो देन देन यू नो सिद्धार्थ सिद्धार्थ ठीक है तुम्हारी यू uh, नो you know, गलत फहमी आई डोंट नो व्हाट आई रोट हियर बट एनीवे यू नो बेसिकली शहनाज इज सेइंग टू मसला एंड देम बिकॉज वो लोग पीछे से चीखे मार रहे हैं ठीक है वो तो वो बोल रही है कि हाथ हाथ तो लगा के दिखाओ मुझे ओके ठीक है फिर आ, यहां गार्डन बेंच पे ओके गार्डन बेंच पे सिद्धार्थ बैठा हुआ है रावण बैठा हुआ है कांटा और मसला उस, उनके सामने खड़े हुए हैं ठीक है और अमुरी कहाँ है नहीं पता हमें ओके तो यू you नो know, सिद्धार्थ बोलता है कि अब तुम लोग यू you नो know, चिल करो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी क्या आ, इनके इनके स्ट्रेटेजी सिद्धार्थ क्या डिस्कस करता है और होता क्या है तो हमको उस पर ध्यान देना है अभी ओके okay? तो सिद्धार्थ बोलता है अब तुम लोग यू you नो know, चिल करो अभी तो रावण बोलता है आ, मैं आ, मैं मैं निकल गया तो आ, अगर मैं मतलब अभी अगर ये रद्द हुआ या जो भी इसका मतलब एवरी राउंड के बाद कोई ना कोई एक निकलता है ठीक है और वो संचालक बनता है तो नाउ रावण थिंकिंग अगर इसको निकालेंगे अगर ये निकल गया उसको खेल एक तो रावण को फिजिकल टास्क नहीं, नहीं, नहीं खेल और उसको वहां से निकलना था बिकॉज ही डिट वांट टू डील फिजिकलिटीज नॉट डिट टू मैस विद यू नो कड़ी और मोमो एट दिस पॉइंट ओके Uh, तो उसको बस मसला को बनाना था uh, तो वो बोलता है कि मैं यू you नो know, मैं निकल गया तो फिर यू uh, नो you know, कड़ी पत्ता को का साथ के, के साथ कौन करेगा मतलब उसको डिफेंस कौन करेगा तो यू you नो know, सिद्धार्थ बोलता है uh, तू, तू 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 कड़ी पत्ता को क्यों नहीं करेगा तो इज लाइक like, uh, नहीं अगर अगर मेरे को निकाल दिया तो Like पहले निकाल दिया तो हाँ तो निकाल दिया तो फिर हम देख लेंगे यू नो जमुरी और यू uh, नो you know, ये लोग लड़ लेंगे ये लोग मतलब यू you नो know, काटा मसला ये, ये तीनों मिलके लड़ लेंगे तो मसला एकदम uh, पूरा लाइक अ कैट स्माइल बहुत वाइड स्माइल देके बोलती है डोंट वरी <laughs> और uh, तू नहीं है तो मैं संभाल लूंगी <laughs> मैं संभालू लूं। उसको वही चाहिए था उसको फुटेज चाहिए थी उसको सिद्धार्थ के साथ दिखना था स्ट्रेटजीज के लिए उसको बहुत एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था ना कि आप अगर स्कूल के कैप्टन के साथ घूम रहे हो मतलब क्या तू बॉस एकदम फाड़ू है ऐसे हो जाता है ना कि yeah. <laughs> uh, तो शी वांटेड टू बी सीन विद हिम देन रावण एट दिस पॉइंट ओके फिर रावण uh, फिर कुछ गाली देता है इट गेट्स म्यूटेड फिर सिद्धार्थ बोलता है uh, इन लोग uh, Uh, इन लोग कैसे निकलेंगे ये लोग यू uh, नो you know, पहुंचेंगे तो निकलेंगे ना बाबा मतलब निकलेंगे तो तेरा कोई कोई uh, तो तेरे को ही पहले या, या मसला को हाँ तेरे yeah. को या सी पह... तेरे को या मसला को निकालेंगे तो ही मुझको एंड ही नाइन परसेंट तेरे को uh, पर uh, पर ठीक है तो तू uh, तो तू भरने नहीं देगा ना तो क्योंकि यू नो राउंड के बीच में जगह होती है ना ऐसे सो व्हाट ही सेइंग हियर ओके आई नो आई जस्ट रेड सॉर्ट ऑफ माय नोट्स बट सिद्धार्थ इज बेसिकली सेइंग कि उसका थोड़ा मुझे ऐसे लगा स्नेहा कि तू तो निकलेगा या तू या मसला को निकालेंगे ये क्या कर रहा है ही इज ट्राइंग टू आई फेल्ट ही वॉज से तुम लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंटली मत खेलो uh, तुम लोग थोड़ा नीचे मतलब उनका कॉन्फिडेंस गिरा नहीं रहा था बट ही गिविंग दियलिटी चेक आई फेल्ट कि तुम लोग बहुत चौड़ में आके कर रहे मतलब आई डोंट नो ही ट्राइंग टू ओवर कॉन्फिडेंस प्ले विथ दॉर्ट ऑफ साइकी टू से आ, वो, वो लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे वो लोग तुमको भी निकाल सकते हैं तो तुम लोग ज्यादा वो मत करो दैट इज वॉट बट मे बी आई ट्राइंग टू गेट इन देर माइंडल बिट आई बिकॉज पहले तो बोलता है नहीं तू क्यों निकलेगा फिर सडनली um, you know, ही निकालेंगे अभी ये बात सडनली कहाँ से आ गई सो आई फेल्ट बिकॉज आप लोगों को याद है बिल्ली वाले टास्क के दिन uh, मतलब द फर्स्ट डे यू नो तोड़ा कुत्ता वाला जो होता है uh, उस दिन के एपिसोड में एक अनसीन है वो एक अपने ड्रीम के बारे में बात करता है कि मेरे को ऐसे ड्रीम आया कि तू एविक्ट हो गया मतलब तू एलिमिनेट हो गया घर से तो हिजला like, ऐसे मुद बोल भाई मेरे को यू you नो know, डरा मत तो अभी वो सच सपना सच होगा नहीं होगा हमें नहीं पता हम मान के चलते हैं सच ही होगा बट वो जो रिएक्शन जो रावण का निकला ना उसकी सच में उसको टेंशन हो गई थी कि ओ माय गॉड भा सच में अगर मैं निकल गया तो क्या तो आई डोंट नो ही वाज डूइंग द सेम टैक्टिक्स टू weaken योर ओपोनेंट राइट Um, उसको कते ही मंजूर नहीं था मसला कैप्टन बने सिद्धार्थ कोटेड बट यहाँ पर आई फेल्ट लाइक ही वॉज ऑफ नॉट वीकडिंग देयर कॉन्फिडेंस बट गिविंग रियालिटी चेक ऐसे लगा मे को कि तुम लोग ज्यादा उछलो मत उछलो मत मेरा सपोर्ट है लेकिन आ, कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो तो, सकता है हाँ डोंट बी सो डिपेंडेंट ऑन मी हाँ I'm हाँ प्लेइंग Exactly, because वो वो जिस कॉन्फिडेंस में मसला बोलती है ना कि don't worry, don't worry. Uh, तो because then he says हाँ फिर तू या you know मसला दोनों जा सकते हैं कि अगर तुम वो कॉन्फिडेंस से जाओगे ना फिर तुम्हारा अगर कोई तुम्हारा टीम लीड बोलेगा जा फाड़ के जो होगा देखा जाएगा कोई कुछ नहीं तू तू तो जीतने ही वाला है तो वो कॉन्फिडेंस अलग होता है पता नहीं यार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है है ना विच इज ऑल्सो ट्रू विच इज ऑल्सो ट्रू सो आई थिंक ही वॉज आई थिंक ही वॉज वॉकिंग अ फाइन लाइन विदाउट विदाउट यू नो ऑफ हिज टीम टीम स्पिरिट बट ऑल्सो सीम की तुम लोग ज्यादा ज़्यादा कहीं नहीं जाने वाला और वैसे भी फर्स्ट राउंड तो होना था मतलब होना था था तो एक और चांस भी था। जैसे बिल्ली वाले टास्क में देखो जब राउंड रद्द हुआ तो बिग बॉस ने क्या बोला दोनों टीम से एक एक जन निकल जाएंगे <hans> तो दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ लिए शायद रावण का दिमाग दौड़ने लग गया था कि लोग ने मुझे निकाला hmm. Because ये सेम वो बिल्ली वाला टास्क के साथ लोग एक-एक निकालो। हाँ, हाँ. हाँ. तो इसके लिए रावण पूछता है। And मसला को नीचे लाना बहुत जरूरी था, Because मसला ये वो फिजिकल स्ट्रेंथ में लोग ने देख लिया था मार्स में वो क्या कर सकती है लेकिन एट द सेम टाइम वो जो शहनाज को नीचे गिरा रही थी इसके लिए उसका फोकस वापस टास्क पे लाना था सिद्धार्थ को hmm. Hmm. तू वो सब सोच मत मर तुम लोग जरूर हार जाओगे तो बी फोकस्ड ऑन योर टास्क ओनली हाँ बिकॉज देखो लोग है ना बहुत सारी चीजें बहुत बिकॉज इमीडिएटली कैच करते थे उस टाइम पर इमीडिएट रियक्शन आते थे ट्विटर के ऊपर ये टास्क के बाद दोनों के लिए जो गंदे रिएक्शन आए थे ट्विटर पे वी ऑल नो तो वो ही वॉज फियरिंग फॉर दैट इमिडियट रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस ऑल्सो की ऑडियंस कैसे क्या रिएक्ट करेगी मसल बहुत चौड़ में आके अनवॉन्टेड चीजें बोल रही थी hmm. लोग उस टाइम पे क्या कर रहे थे बताए देर जस्ट सींग दैट पर्टिकुलर वीक वो लोग पीछे का कुछ नहीं देख रहे थे, नहीं देख रहे थे हाँ तो पीपल वे नॉट ट्राइंग टू मतलब वो हीट ऑफ द मोमेंट आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा था ना कि लोगों के पास टाइम नहीं था कि रुको सोचो फिर बोलो तो हर एपिसोड पे जो ट्विटर पे एक जंग रही थी ना दैट एंड एंड जिस तरह से प्रोमोज भी काटे जा रहे थे वो एक साजिश ही थी कहीं ना कहीं कही चैनल की uh, तो हाँ आई एग्री आई एग्री लाइक यू नो ट्विटर पे तो आग लगी हुई थी इस टाइम ऐसा नहीं है, दोनों के से बहुत आ रही है। हाँ. और उसमें पीस रहे थे हम जैसे करेक्ट 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 या तो, तो यहाँ पे वो उनको थोड़ा रियलिटी चेक दे रहा था कि तुम्हारा तुम देख लो और कुछ भी हो सकता है uh, फिर यू uh, नो you know, कड़ी पत्ता बोलता है कि वहां पे देर वीवो कॉर्नर बोलता है कि यू uh, नो you know, कुछ भी होगा तो uh, हाथापाई नहीं होगी एंड यू नो क्राइवेज हाँ होगी होगी तो तो शेना से हाथापाई नहीं करनी ओके okay, तो हमको यहां से ऑब्वियसली कंफर्म भी होता है कि यू you नो know, कड़ी पत्ता और

क्राइफ पहले ही कुछ होने से पहले ही जाके बोलते हैं आ टीचर टीचर उसने मेरे को किया बिफोर द अदर चाइल्ड इवन रियलाइजेस उसके साथ क्या हुआ ये पहले ही जाके बोलता है देन देन यू नो द टीचर विल लुक एट दैट अदर किड सो दैट इज मोमो शी इज वेरी वेरी यू नो पेटी बट आल्सो वेरी चालाक ऑबवियसली और उसने सबको इस लपेटे में ले लिया कि फिजिकल ये लोग हो रहे हैं और अपना मतलब अपना क्लियर कर लिया कि बिग बॉस इफ यू दिस इफ यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग गेम देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड किया तूने धक्के मारे तूने सब कुछ किया और फिर तू आके कंप्लेन कर रही है ओके सो दिस इज दिस इज सो शी शी वॉन्टेड टू सिट ऑन द साइडलाइंस बिकॉज उसको भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि वो कहीं नहीं जा रही है बिकॉज ऑफ हर फैन बेस बट ऑल्सो उसको कड़ी पत्ता को तो कतई सेव नहीं करना था शी डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले एंड लाइक शी डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले एट ऑल फॉर हिम तो यहां पर वेन uh, स्नेहा निकल गई uh, तो यहाँ पर जब काटा और मोमो भी एक साथ है uh, तो काटा और मोमो किस लिए एक साथ है राइट right? उनको ऑब्वियसली सी व्हेन यू गो ऑन द टॉप दैट मींस इट्स लाइक अ पिरामिड है ना नीचे का जो 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 ट्रायंगल होता है वो नीचे का ट्रायंगल का लाइन लंबा होता है फिर जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं लोग कम 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 होते जाते हैं राइट right? तो फिर एंड में एक ही रहेगा ऑन दैट टिप ऑफ द ट्रायंगल तो काटा और मोमो वर बेसिकली जॉइनिंग देयर यू नो फोर्सेस की एक एक करके हम हटाएंगे लोगों को और ऊपर चढ़ते जाएंगे फिर बाद में देखी जाएगी सो दिस इज वॉट टीम के अंदर टीम 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 के अंदर टीम, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड था इनका सो दिस इज बिकॉज कल मेरा थॉट आया कि कांटा अगर लोग सोच रहे होंगे कि भाई कांटा और मोमो क्यों एक साथ खेल रहे हैं बिकॉज उनका गोल था सिद्धार्थ को हटाना है ना सिद्धार्थ को वीकन करना सिद्धार्थ की गेम वीक करनी थी बिकॉज एट दैट पॉइंट उनको शहनाज का तो थ्रेट था बट नॉट बिग एज सिद्धार्थ का थ्रेट सो दी बन रहे थे बिकॉज दे है डिरेक्शन तो यहाँ पे देखो मोमो uh, अपने ही टीम में छेद कर रही थी बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट कड़ी पत्ता टू विन टू गेट इम्यूनिटी लाइक काटा डेफिनेटली डिड नॉट वॉन्ट यू नो झमुरी टू गेट इम्यूनिटी तो उनके आपस में ही टीम में वो लोग छेद कर रहे हैं फिर दोनों मिलकर दे आर वो यू नो बड़े एम की तरफ जा रहे हैं विच इज टू वीक इन सिद्धार्थ एंड शहनाज और बेसिकली यू नो स्प्लिट सिडनाज एंड ऑल दैट तो आ रही आ रही है ओके 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 हाँ okay. सो so, ठीक है फिर आ, फिर यहाँ पे यू नो बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि सिद्धार्थ और क्राई बेबी के अलावा बाकी सभी यू नो you know, घर वाले एक लाइन में खड़े हो जाए तो सब लोग लाइन अप होते हैं वहां पर यू नो क्राई बेबी हेज गॉन टू स्मोक एरिया ठीक है फिर यू नो बिग बॉस बोलते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा पैराफ्रेस किया है कि पर रूल्स आप लोग लाइक like, बास्केट्स को जगह से नहीं हटा सकते हैं और सभी ने ये किया शुरुआत किसने की थी झमूरी ने की थी ओके लाइक बास्केट हटाने की शुरुआत झमूरी ने की थी जो मैडम मैं रूल्स फॉलो करती हूँ रूल के अकॉर्डिंग मैं डिग्निफाइड हूँ कंफ्यूज हूँ ये सारी ये बहुत एक नेक्स्ट लेवल की पता नहीं क्या वर्ड्स कम पड़ जाते हैं ये लोगों के लिए सच में ऊपर से ऊपर से बोलती मैंने बोला था जब हाँ, मैंने boss. बोला हाँ अभी बोलती है सो so, अः यू कैन नॉट डिस तो शी शीश रावण को यू uh, नो you know, मैंने बोला था मैंने कहा अच्छा तेरे को इतना ज्ञान है अभी तेरे को सही दिखना है क्यों क्योंकि बिग बॉस की टेंशन है और ये जाएगा फुटेज बाहर दिस इज हर लेवल ऑफ मेनिपुलेशन दिस इज हर लेवल ऑफ यू नो प्रेजेंस ऑफ माइंड कि कैमरा कहाँ पे है कौन सी फुटेज जाएगी और क्या बोलना है जब बिग बॉस बोल रहे हैं तो सही दिखना है पीछे चाहे हाँ... प्रॉपर ये करके आई थी ना रिसर्च करके आई रिसर्च थी ऑल द कंटेस्टेंट्स हां विदिका बोल है हां हां एक तो उसका उसके बेस्ट फ्रेंड है उसका जो हाँ. तो वो बहुत रिसर्च करके आई थी अबाउट द कैमरा तो उस वजह हाँ. से वो जब भी देखो उसको मौका मिला शी ट्राइड टू बी करेक्ट ऑन द कैमरा हाँ एंड उसको रूल्स अच्छी समझ आते थे वो एक्ट करती थी उसको समझ नहीं आते ओके सो दैट सो दैट शी कैन बिकॉज शी इज अ पैरासाइट ओके शी इज अ पैरासाइट वो उसको कोई होस्ट बॉडी चाहिए अब चिपकने के लिए वो खुद कुछ नहीं कर सकती है उसको किसी के साथ ही चलना है किसी के पीछे किसी को लैच करके ही चलना है सो शी इज अ प्योर पैरासाइट एंड बिकॉज उसकी हरकतें वैसी थी घर के अंदर बाहर जानना भी नहीं है क्या है बट यू नो घर के अंदर वैसी हरकतें थी तो फॉल्ट ठीक है अकॉर्डिंग टू जमुरी बिकॉज उसको तो कुछ पता ही नहीं है हाँ uh, साला तुमको अगर अभी तुम बोल रही हो कि मैंने बोला था कब बोला था फिर अगर तूने बोला था तेरे को इतना ज्ञान है तो फिर तूने ने शहनाज का बास्केट लेके पूरे गार्डन एरिया में क्यों घूम रही थी और अंडे क्यों और जब सिद्धार्थ को बोल रहा है तो फिर ऐसे एकदम ओ ओ नो नो ओ एंड देन व्हाट शी डज एज एज यू नो बिग बॉस की अनाउंसमेंट होती है सारे अंडे जो शहनाज के बास्केट में इकट्ठा किए थे वहां पे डाल देती है और शहनाज का बास्केट ऐसे फेंक देती है दिस इज दिस इज इसकी औकात ये है इसकी असलियत ये है दिस इज मतलब उसने ऐसे फेंक दिया ना वो दैट दैट uh, uh, क्या बोलते हैं दैट यू नो जेस्टर शोज हर माइंडसेट कि वो किस तरह से लोगों को यूज करती है और फेंक देती है लोगों को जिन लोगों को लगता है ना कि ये सिद्धार्थ के लिए फीलिंग्स है ये वही था ये सिद्धार्थ को यूज एंड थ्रो करने का था शी वॉन्टेड टू यूज सिद्धार्थ एज अ कनेक्शन जो लोगों को लगता है ओ oh, इसकी फीलिंग अधूरी है ओ oh, इसका रह गया ओ oh, ये तुम लोग अगर तू इतना डेंस है तुम लोग लाइक रियली गुड फॉर यू गुड लक विद दैट काइंड ऑफ माइंड सेट बिकॉज शी वॉज यूजिंग हेम she was literally using him because interview you know big boss हुआ, उसका फर्स्ट इंटरव्यू क्या क्या था हाँ बनाओ शो बनाओ show बना उसको, उसको घंटा सिद्धार्थ मेरा दोस्त है सिद्धार्थ ने uh, you know सिद्धार्थ का तो घंटा उसको high हाँ fever से का रहा था उसने तो उसको यू नो बेडरूम नहीं दिया क्योंकि डिग्निफाइड 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 दिखना है लेकिन सलाह खुद सब के कम्बलों में जाकर तुम सोती हो हाँ दो लोगों के बीच में जाकर सोती हो तब तुमको डिग्निटी याद नहीं आती है तब तुमको अच्छे घर के फैमिली का याद नहीं आता है लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पे कांप रहा है बट तुमको सही दिखना है क्योंकि उसने सिद्धार्थ को अपने कमरे में नहीं लिया बिकॉज उसका दिमाग झोल था उसके दिमाग में झोल था बिकॉज लोग क्या सोचते हैं लोग क्या सोचते हैं तुम्हें क्या पता उसकी सोच वहां पे दिखाई देती है दैट लोग बातें बनाएंगे क्योंकि वो खुद बातें बनाती है जब लोगों को ऐसे देखती है सो दिस जमुरी इज द मोस्ट वायल्ड ह्यूमन दैट दैट आई हैव सीन इन गेम मोस्ट मोमो तो है मोमो तो है मोमो तो किसी की नहीं है जमुरी इज एट मोमो एटलीस्ट इन द सेंस मोमो का दिखता था उसका हेट्रेड झमूरी का दिखता नहीं था झमूरी सबसे सही बना के रखती थी और उसको एक और उसका एक एडवांटेज था

मतलब कई स्नेक्स भी अपने फैमिली को देख लेते हैं अपने यू नो बच्चों को शायद काटते नहीं है मुझे सांपों के बारे में नहीं पता हाउ दे एक्ट विद देयर किन बट आई थिंक शी इज हर ओन ओन क्रिएचर उसका एक अलग ही क्रिएचर है आई मीन इट इज इट्स इनक्रेडिबल हर फैमिली हर गुड आई मीन आई आई डोंट केयर वो क्या करते हैं रियल लाइफ में मतलब Outside of Big Boss, but this is absolute pathetic because anyway वो जो because मुझे होता है फैंस पर भी कि ओ हाँ. ये तो यू you नो know, उसकी बहन की तरह वो हमेशा खड़ी रही है हमेशा खड़े साला तुम इंटरव्यूज में दस बार बोलो तुम्हारा झूठ सच नहीं होगा दिस इज फॉर नॉट फॉर लाइक माई चीड ऑन हर दिस इज फॉर दिस फैंस हु थिंक फॉर शहनाज उसने Never. इसको ये सिर्फ ये टास्क ये टास्क आप देखो एंड यू मल्टीप्लाई दैट विद द द रेस्ट ऑफ़ सीज़न शी इज ऑलवेज टली बैकैज शेनाज फॉर हर एडवांटेज सला तुमको उसने एक कप मांगा तुम्हारी हिल गई आ, तुम उससे पैर दबाती हो सर दबवाती हो तुम उसके कपड़े छीन के पहनती हो एक अन्य जो बोला था वो शहनाज पे रोब झाड़ रही थी कि तू ये क्या कपड़े दे रही है मेरे को अच्छे वाले कपड़े देना मेरे को तेरे वो ये वाले क्या दे रही है सो so, तेरे कपड़े नहीं है तू उसके ऊपर दादागिरी क्या कर रही है तू इसपे रोब क्यों झाड़ रही है सो दिस इज ये ये इस ये है okay? is... मैं बोल रही हूँ ना कि जो सोलोस की है आती है शहनाज के लिए शी हेज मोर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दैट हेट बिकॉज उसने कैमरा में घुस घुस के जो बोला है शहनाज के दो बेस्ट exactly. फ्रेंड्स थी Haan. एक सिद्धार्थ के अगेंस्ट कंटिन्यूस बोल रही थी और एक शहनास के अगेंस्ट एंड जो हेटरेट कलेक्ट होती थी उस टाइम पर फ्रॉम द सोलोस इज बिकॉज ऑफ दिस टू लेडीज इन द हाउस या yeah, एग्जैक्टली exactly. और अभी भी अभी भी वही हो रहा है hmm. अभी, अभी हाफ लव हाँ स्टोरी छपवाई जाती है हाँ बट कौन लव स्टोरी गोइंग टू हाँ दिखा कहा लव स्टोरी बे लिखा कहा दिखा कहा तुमको लव 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 दैट वुमेन कैन नॉट लव एनी शी कैन नॉट लव एनी लव उसके भाई को तो वो यू you नो know, गाली देती है उसके भाभी को उस उसकी हवाइया उड़ गई थी जब उसने उसके भाभी को देखा ओके सो पूरे वीक में ऐसा सेक्टिविटी गुल थी उसकी गुल थी उसकी बिकॉज उसकी आंखों में से वो उठ गया शी वाज़ गॉनर बिकॉज शी कैन उसमें पता चलता है हाँ शी लव्स घी कॉफी दो दो चम्मच पी जाती है घी के साथ घोल के पी जाती होगी घी और कॉफी ओह माय गुडनेस ओके And and this is more breath. for the fans. Yeah, this is more for the fans. Like you guys come and tweet or in Dalo to Tungko to karungi or tungo report karungi. Because you yeah, बुरा बुरा she's constantly and Shaina's has all I'm sorry, Sneha. One thing and sorry, I'll i and I'll be quiet. Uh Shainaz is always, always सपोर्टेड uh, कि चलो जो हो गया वो हो गया उसने उसके कपड़े दिए कि कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है तुमने उस अच्छाई का एक गंदा वो किया एंड नाउ हाउ डेयर यू हाउ डेयर यू टू यूज दैट टू थ्रो हर अंडर द बस मेक हर लुक लाइक द बैड गाय मेक हर लुक लाइक शीज अ फ्लिपर शहनाज किसी की नहीं है शहनाज किसी की मैं तो सबको बोलती हूँ

वो क्वीन है अगर आप सारे रिकॉर्डिंग सुनती हैं और अगर हमारे लाइव सुनती हैं तो आई एम नॉट हियर टू यू नो प्रूव माय लॉयल्टी बट बट बचनास इज द क्वीन आई एम कॉलिंग आउट यू नो जमूरी इज शी वाज नॉट यूज्ड आई डिडंट से डोंट आई डिडंट से शी वाज यूज्ड जमूरी यूज्ड एंड इज so, आप अगर आप, मैंने आपके रिएक्शन को मिस अंडरस्टैंड किया तो आप प्लीज बताए बट जितना मैंने आपका कॉमेंट यू नो पढ़ा है आई 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 डिट सेट यूज शहनाज की अच्छाई थी कि उसने जाने दिया बहुत सारी चीजें विच इज वॉट आई जस्ट सेड उसने जाने दिया कि चलो कपड़ों में क्या है कि क्या है ये क्या है छोड़ो 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 लेकिन uh... आ, तो इफ यू अग्री हाँ इट इट हर्ट्स डेफिनेटली इट हर्ट्स दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग बिकॉज हमारे जो सो कॉल्ड फैंस हैं जो शहनाज के सो कॉल्ड फैंस हैं वो जाकर यू uh, नो you know, जमुरी हुँ. को सपोर्ट करते हैं उसकी आधी लव स्टोरी को पंप करते हैं उसने सिर्फ और सिर्फ शहनाज और सिद्धार्थ के बॉन्ड को uh, उसमें like कोशिश की है इवन बाहर आकर हाँ. भी जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं उसमें उसने सब में बोला है कि द मोस्ट फेक कंटेस्टेंट ये है करके वो शैनाजिया हाँ शैनाजिया तो, हा, तो, to, तो spade spade. हम कितना अगर हमको हर्ट होता है तो हम अगर उसकी बातें नहीं करेंगे तो हमको रियलिटी कैसे पता चलेगी सम्बडी हैज़ तू सेय इट

छोड़ दो यार दोनों को छोड़ दो इनके बॉन्ड को तुम होती कौन हो तुमने किया क्या कहा क्या बॉन्ड था क्या अभी भी वही कर रही है अभी भी वो अभी भी वो वही कर रही है सो समबड़ी इज गॉट टू कॉल दिस आउट दिस इज वाई वी डिकोड बिकॉज जो गेम में हुआ वो बोलना जरूरी है वरना हम लोग तो बस ओ, स्टोरी हो उसका तो लव स्टोरी का आएगा लव स्टोरी बे आने के बाद उसको शो करना था उसके साथ और उसको कुछ और दो साल तुमको कुछ नहीं हुआ सडनली सितंबर सेकेंड के बाद तुमको सारी कुछ याद आ गया आ, हाँ लव स्टोरी याद आ रहा है द, उसके इतने दोनों फ्रेंड्स को याद आ रहा है हाँ? आ? एक नहीं प्रोजेक्ट्स हुए यू नो बर्थडे हुआ विश नहीं करने आता तुमको और तुम उसके यू uh, नो you know, गानों को अगर तुमको इतना ही है तो तुमने इसके जितने भी यू नो प्रोजेक्ट्स हुए uh, उस पे तुमने क्यों कुछ नहीं बोला क्यों उसको यू नो कंग्रेचुलेट नहीं किया एक ट्वीट नहीं किया क्यों सो दिस इज यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड

देख देख लिया वो लोग क्या कर रहे हैं कितना काम किसको मिल रहा है हम भी देख रहे हैं राइट सब कुछ इट्स इट्स आउट इन ओपन तो वो जो अंदर यू नो जो, you know, जलन वलन इनसिक्योरिटीज वो दिखाई दे रही है क्यों इतना कौन सा सीजन है जिस जिसके कंटेस्टेंट्स को इतना प्यार और इतना हेट मिल रहा है राइट सो so, कुछ तो बात है ना बीबी थर्टीन में सो so, uh,

she's strong, but not but sorry, there's no but there she's strong, Mashallah. and she's she, wo she will reach new heights usme koi hai the only thing we need to be careful. कि जो ट्विटर पे हो रहा है ये हमारा काम है वो शहनाज शे, तो अपना कर रही है यार शहनाज सही कर रही है उसका जो कर रही है उसका जो पात है उसका जो है वो कर रही है सही कर रही है सह, उसका है वो सही गलत मैं कौन होती हूँ बोलने वाली वो एंड बहुत अच्छा जा रहा है अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है हमको जो हम ग्राउंड लेवल पे हैं हमारा फर्ज एज अ फैन ये बनता है कि आप देखो कि उसको हेट कहाँ से आ रही है कहां पे हम उस चीज को यू शट डाउन कर सकते हैं कहाँ पे ब्लॉक करना है कहाँ पे रिपोर्ट करना है क्या करना है वो हमारा काम है वो थोड़ा शेनाजा के और हर एक इसको कुछ करेगी एज अ फैन उसका सपोर्ट करना और उसके लिए जो गंदा बोल रहे हैं uh, हमारे लेवल पे है ना तो वो हमारा काम है एंड अगर हमको फैक्ट्स नहीं पता है तो हम कैसे फोकस करेंगे कि कहाँ पे क्या करना है बिकॉज ब्लॉक और रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है राइट रिपोर्ट और ब्लॉक सॉरी सो दिस इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट हैपन्स अराउंड अस हमें आंखें खोलनी चाहिए लाइक like बैठे बैठे शनास को इतना क्यों होता है तो हम हमारा काम तो करेंगे ना वो अपना काम करेगी और हम उसको प्यार देंगे उसको सपोर्ट करेंगे सो एनीवे मूविंग ऑन और राइट अः ठीक है तो फिर uh, तो यू नो बिग बॉस यहाँ पे बोल रहे हैं uh, कि uh, तो uh, औ, और यू नो बिग बॉस ये बोलते हैं कि ओनली वेन द राउंड इज कम्प्लीट जब वो राउंड खत्म होता है तभी आप अः uh, uh, मतलब यू you नो know, बास्केट को वो कर सकते हो And, uh, but आप सब लोगों ने इस चीज़ को माना नहीं है तो ये राउंड नल एंड है सारे अंडे उसमें डाल दो बास्केट वो उनका एक जो बड़ा यू you नो know, बिन था डाल दो ओके okay. अभी सीन आता है फाइव पीएम ओके गार्डन एरिया में सिद्धार्थ रावण को बोलता है कि किसी का स्ट्रेटेजी मत सुनना समझा और हंसता है सके में बोलता है बिकॉज वो कहाँ पे है वो जो बी है ना बिग बॉस बी बी दो बीस होते हैं एंट्रेंस के सामने वो दो वो वहां पे खड़े हैं और शहनाज वहां से वॉकिंग कर रही है ठीक है आ, और आ, और वो रावण को कम शहनाज को ज्यादा बोल रहा था ओके तो लाइक वी सेड उसको सिर्फ शहनाज ही दिख रही थी वहां पे ओके okay. uh, उसको और कोई दिख ही नहीं रहा था uh, तो वो बोलता है कि uh, तू तो किसी की स्ट्रेटेजी मत सुनना ठीक है और ऐसे स्माइल करता है uh, मतलब में फिर uh, और की तरफ देखे जा रहा है फिर सिद्धार्थ uh, uh, तो रावण इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल ओके इन व्हाट सिद्धार्थ इज ट्राइंग टू डू विद शहनाज तो बोलता है कि क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ इधर आ, इधर आ, इधर आ, जितना भी वो खुद को सोच ले कि वो तो चीज है एंड में उसको सिद्धार्थ का ही सुनना होता है गेम के स्ट्रेटेजीज को लेकर बिकॉज इनका उतना दिमाग चलता तो है नहीं ओके एंड ही अभी सिद्धार्थ अपने खुद के जोक में ही है सिद्धार्थ इज लाइक like, किसी की मत सुनना और स्माइल करता है और हाई फाई देने जाता है रावण को ओके एंड रावण फिर कोई देता है बिकॉज अभी तो करना ही पड़ेगा ना गेम के लिए क्या क्या करना पड़ता है फिर uh, फिर शहनाज ना सिद्धार्थ को बोलती है कि मतलब ही नहीं है तू तू ऐसे ही खेल रहा है खुद जीत खुद जीत ऐसे एंड शी इज वॉकिंग टूवर्ड्स द स्मोक एरिया ओके okay. uh, तो, uh, तो 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 खुद जीत सिद्धार्थ बोलता है यू uh, नो you know, नहीं जीत सकता यार उसको लगा कि वो टास्क की बात कर रही है तो खुद जीत शो ऐसे बोलती है शहनाज उसको फिर सिद्धार्थ से यू नो मैं नहीं कर सकता तो लाइक like, मैं चाहती हूं कि तू तो यू नो जीते शो सो इस इज हाउ स्वीट दयावान है आप <laughs> तो ये आप पे आ गया मतलब सोचो इनका इनका चल रहा है आपस में तो रावण सिद्धार्थ को बोलता है कि देखो ये लोग कितना गेम में है ऑब्वियसली uh, टास्क में है तो गेम में है सो वट एवर तो रावण बोलता है यू uh, नो you know, सिद्धार्थ को कि देख यू नो कड़ी पत्ता को पकड़ के मैं लेट ही जाऊं तो uh, तो वहां पे ही ट्राइज टू कि दिसनाज को ही पकड़ना पड़ेगा ओके okay? uh, तो, you know, को, को पकड़ना पड़ेगा हाँ बिकॉज ही सेज कि मोमो को उसने काटा ने मस्त पकड़ लिया था तो सिद्धार्थ यहाँ पे रिप्लाई करता है रावण को देखकर कि मोमो को रख के भी फायदा नहीं है मोमो को मतलब हाँ so, so शहनाज वहां से इन्हों गुजरती है सामने से ठीक है आ, वहां पे वो और अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करके वो चल रही है वो बी के सामने जो टू बीज होता है ना वहां उसके सामने चल रही है वो ठीक है और एंड वो कुछ एक शकल बनाती है और यू uh, नो you know, सिद्धार्थ के ऐसे स्मर्क करती है मतलब स्माइल देती है फिर सिद्धार्थ अपने हाथ फोल्ड करके उसी को मिमिक कर रहा है ठीक है और uh, वो भी उसको स्टेयर कर रहा है फिर शहनाज यू uh, नो you know, सिद्धार्थ को बोलती है हाँ ये हो सकता है ये हो सकता है मतलब शीज सर्कम में अच्छा तुम्हारे यू नो स्ट्रेटजीज बन रहे दोनों वर सो चिड़ भी निकालनी है लेकिन रहना भी नहीं है एक दूसरे के साथ यू uh, you know, uh, मतलब एक दूसरे के बगैर राइट right? तो इट्स लाइक सॉल्ट एंड शुगर शुगर एंड सॉल्ट तो uh, तो शेना से हाँ ये हो सकता है एंड ही सेज हाँ तो शी सेज हाँ यू नो ये वाला सही है अच्छा अच्छा लगा तो शी सेज हाँ uh, तो यू you नो know, सुधार्थ लाइक ऐसे ना uh, ये uh, you know, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं वो वाला या वो वाला मतलब मतलब मैं या रावण या या you know, कड़ी या क्राई बेबी सिद्धार्थ की सुई जैकेट पे अटकी हुई थी तो एंड में वो जैकेट पे ही गया हाँ क्राई बेबी पर ही गया कि तूने उसका जैकेट पहना कैसे ये मैंने इन्फर किया इससे अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो बताना डोंट uh, वरी <laughs> मैं so, तो पहले से बोल रही कि उस, he was pissed off with that jacket with that uh, only yeah and, and yeah. jacket भी क्यों पहना गया because उसने uh, काटा से कपड़े मांगे तो तू जो करेगा मैं वो सेम करूंगी सेम जैकेट <laughs> भी तो ही सेज यू नो कौन सा वाला सही है तो शहनाज बोलती है यू you नो know, सारे ही अच्छे हैं और वो अंदर जाने लगती है घर के अंदर ओके okay? फिर सिद्धार्थ बोलता है वही तो क्या बात है तो शहनाज की है तो सही है भाई सही है लाइक सिद्धार्थ इज सो क्यूट या तो, तो शहनाज बोलती है और जो बोलती है वो करती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल अरे और वो एकदम हाथ हाथ अपने यू you नो know, जोड़ता है सिद्धार्थ ओवर करता है ठीक है वो शहनाज के साथ ही ये सब ओवर ओवर आप लोगों ने ऐसा देखा है हा, मतलब हाथ जोड़ना वो लाइक यू नो बोरी वाले टास्क में भी करता है वो सिर्फ शहनाज के साथ ही आते हैं उसके ये सारे अतरंगी चीजें जो करता है वो उसके हाथ जोड़ के बोलता है अरे डरा देती हो तुम तो शहनाज बोलती है और दूसरी बात एंड इज लाइक शिट बोलो मत बोलो मत uh, यू you नो know, को डर लगता है मेरे मेरे को को डर लगता को डर लगता लगता है है तो शहनाज बोलती है मेरा कोई नहीं करता तो मैं दूसरों के लिए करती हूँ uh, uh, you know, सिद्धार्थ फिर टर्न करके यू you नो know, आता है तो इट इज लाइक ओह शहराज का क्यों बर रही है पागल हो गई है पागल हो जाता अगर अगर मेरे में रख देती तो ही मैं डर जाऊंगा वो उसको क्यों बोलने से मना कर रहा था बिकॉज आई फेल्ट कि ही डिड नॉट वॉन्ट शहनाज टू गिव एनी एनी थिंग अवे बिकॉज शहनाज इज वेरी एफर्टलेसली स्मार्ट शी इज एफर्टलेसली ब्रिलियंट उसका माइंड बहुत और ऐसे टास्क में बहुत सही चलता है और उसको उसको बहुत नेचुरली आता है Uh, कि कैसे करना है वो कैसे करना है तो ही डिड नॉट कि बातों बातों में उसका दिमाग किसी और को दे दे बिकॉज वहां पे सारे तो झंड बैठे हुए थे किसी को समझ नहीं आ रही थी इसीलिए हमेशा सिद्धार्थ से पूछा जा रहा था कि क्या करना है अभी सिद्धार्थ तो वैसे गेम में था नहीं राइट right? बट उनको उनको सिद्धार्थ का सपोर्ट तो चाहिए था बिकॉज सिद्धार्थ के वोट्स चाहिए थे इस हफ्ते क्या था सिद्धार्थ सेफ था तो सिद्धार्थ के फैंस किसको वोट करेंगे इन्हीं लोगों को वोट करेंगे ना तो इसीलिए वो थोड़ा यू you नो know, चापरोसी जो बोलते हैं लाइक यू नो किसिंग अप वो वो चल रहा था बट uh, आल्सो उनका ज्यादा मतलब ढाई की चाल भी नहीं होती है इनकी वो तो किंग है ही है चेस बोर्ड का इसीलिए एंड ये चेस बोर्ड का खुद uh, खुद रावण ही बोला था हम पहले किंग को uh, क्वीन को हटाते हैं फिर किंग को मतलब वो उसने खुद मान लिया कि सिद्धार्थ इज द किंग एंड शहनाज इज द क्वीन इतना झंड है वो आदमी या सिद्धार्थ या एब्सोल्युटली सिद्धार्थ वाज़ आल्सो स्टॉपिंग शहनाज उस वो शनास को एंगेज करके रख रहा था और इसीलिए जो उसके लिए बोल रहा था कि आप तो अपने बातों पे हमेशा कायम रहती है आप तो यू uh, नो you know, बिल्कुल वही करती हैं आप शनास और गिल बहुत अच्छे स्ट्रेटजीज करती हैं एंड ही वाज सेइंग कि तू गेम पे फोकस कर तू खेल और ते को जो करना है वो कर बिकॉज इनको पता था कि क्या करना है Uh, दोनों ने ओब्वियसली जो इनकी जो बेड पे कॉन्वर्जेशन हुई थी आ, उनको पता उन इसको पता चल गया था वो उसको रख रहा था अपने बातों में सिद्धार्थ रख रहा था और एंड uh, अंडरलाइंग sort of, uh, जहां पे सुई अटकी हुई वो तो चल ही रहा था इनका ओके okay. फिर uh, uh, तो फिर शहनाज अंदर अंदर चली जाती है यू you नो know, घर के अंदर फिर रावण और झमुरी काटा आती है वहां पर यू नो सिद्धार्थ अभी ये जरूरी है ठीक uh, है पे सुनना जरूरी है तो तो सिद्धार्थ बोलता है हम यू नो जनरली हाउ मच ऑफ अ फाइट आर वी आस्किंग तो उसके बाद वो कुछ यू you नो know, बोलने जाता है फिर शहनाज आती है अंदर से Uh, वो सेकंड चीज सिद्धार्थ नहीं चाहता कि कोई भी चीज का क्लेरिफिकेशन वहां उस की ओस में हो जो भी है हम सॉर्ट आउट करना है जैसे देखो उसने वीकेंड के वार के बाद शांति से जब दोनों अकेले थे सॉर्ट आउट किए वो की में कुछ सॉर्ट आउट करना ही नहीं चाहता था नहीं था हाँ इसलिए बोल रहा था मत बोल मत बोल मत बोल एग्जैक्टली exactly. उसको वो उलझा के रख था इन द सेंस की ज्यादा फ्लो फ्लो में कुछ बोल ना दे और ये फिर लेने के देने पड़ जाते तो बिकॉज सब लोग फिर रेडी थे द होल हाउस वॉज रेडी टू जम्प इन देयर फाइट तो ठीक है तो फिर हाँ तो फिर आ, आती है बाहर शहनाज बाहर आती है वो बोलती है सिद्धार्थ मैं मैं यू नो बता देती हूँ कि तू क्या बोल रहा है अः uh, तो, तो यू नो सिद्धार्थ से यू uh, नो you know, जल्दी बता जल्दी बता आना आना जल्दी बता आजा आजा बता बता और वो नीचे बैठ जाता है वहां पे ग्राउंड पे जिम एरिया के पास और यू नो झमुरी उसको देख रही है स्माइल कर रही है तो शनाज़ बोलती है क्या पता वो वो मेरी स्ट्रेटेजी हो तो यहाँ पे सिद्धार्थ ओवर ओवर एक्टिंग कर रहा है थोड़ा और यहाँ पे हंसता है uh, क्या पता वो वो मेरी स्ट्रेटेजी हो यू uh, नो you know, कहीं मैं तेको बता दू लाइक ओह शिट ओके okay, फिर जिम जिम के एरिया में ही है शहनाज अभी वहां पे यू नो चल रही है तो इधर ही रहोगी आप इधर ही रहोगी आप तो जहां पे तू जाएगा वहां पे मैं जाऊंगी लाइक like, अरे अरे तो ये दोनों का ही चल रहा है इधर ओके okay? फिर शहनाज तू वो बोलती है शहनाज बोलती है सिद्धार्थ को कि तू तो ऐसे कर रहा है वो बाप है गेम का <laughs> रावण के लिए बोला तू तो ऐसे कर रहा कि बाप है मतलब रावण को उसने ऐसे निकाल दिया ना तो एंड देन शी वॉक्स अवे सेइंग कि रावण के स्ट्रेटजीज का सुन मत वो नेगेटिव ही करेगा वो टेढ़ा जा उसका मतलब वो नेगेटिव करेगा तो तो ही मुझे ये बहुत अच्छा लगा तुम चिंता कर कौन बाप है आ, कौन माँ है कौन भाई है कौन यू you नो know, बहन है रिश्ते हम लोग बना लेंगे मुझे ऐसे क्यों लगा आई थिंक मैंने एक दो लोगों को ये चीज पूछी भी थी कि काटा का मंडप वाले टास्क में क्या रिश्ता था सिद्धार्थ के साथ वो जब ये ये लोग जो परिवार बन के आते हैं बिकॉज वो जिस तरह से बोलता है ना कौन बाप है कौन माँ है माँ मतलब झमुरी कौन भाई है भाई मतलब रावण बहन तो फ्लॉप थी है ना बहन फ्लॉप बनी थी सिद्धार्थ की और uh, काटा क्या बनी थी काटा कुछ थी, तो बनी थी भाभी बनी थी ना? ना अच्छा भाई की भाभी अच्छा क्राइम अच्छा कबीर सिंह की भाभी अच्छा अच्छा ओके ओके भाभी मुझे हाँ. मुझे है ना वो लगा वो टॉन्ट वीरे जब बुलाती है ना हाँ, भाई हाँ. उसके लिए टॉन्ट था मुझे लगा बहुत सारे रिश्ते ला रहा है इधर हाँ, हाँ. हाँ. मुझे लगा बहन थी हाँ. मुझे लगा उसने वहां पे है ना वो जो वीरे का सीन हुआ था ना लिविंग रूम में हाँ, उसके, हाँ. उसका टोंट था तो तू मत बता हम बना लेंगे भाई बहन का हाँ हाँ भाई बहन माँ माँ को भी लाया उसने तो ठीक तो फिर शहनाज हंसती है भाई बहन ऐसे हसती है <laughs> तो वो एक टॉन्टी था ओके फिर सिद्धार्थ बोलता है कि हम हम लोग रिश्ते बना लेंगे तू मत चिंता कर ठीक है तो ये ओके जब ये दोनों का हो रहा था ओके जब ये दोनों की ये नोकझोंक हो रही थी सुमड़ी में कुमड़ी ये जो काटा और रावण थे वहां पर दे टॉक अबाउट लॉकिंग शहनाज दिस इज हाउ दे मेक प्लान बिकॉज सिद्धार्थ नेवर सेड एनीथिंग अबाउट लॉकिंग शहनाज ओके यहाँ पे वो लोग रावण काटा को बोलता है छोड़ ही मत ऐसे बहुत धीरे से विस्पर कर रहा है बहुत धीरे से सुनो आप भी ठीक है वो हाँ, तो बोलता, बोलता है, है। छोड़ ही मत उस पे ही रहे ऐसे विस्पर करता है ठीक है फिर शहनाज यहाँ पे एलिट एरिया में जाती है एंड तो ये जो रावण काटा को बोलता है ना जब शहनाज जारी होती है एलिट के तरफ उसके तरफ ऐसे मतलब सर ऊपर करके बोलता है कि इसको छोड़ ही मत उसी पे रहे Momo ka कोई लेना Momo अभी से निकलने की बात कर रही है ओके तो तो okay? फिर तो शहनाज यहाँ पे एलिट क्लब में वो रूम के पास जाती है और वो देखना मोमो ऑलमोस्ट अंदर घुस चुकी थी बिकॉज मोमो इज लाइक द क्वीन बी मोमो को है कि जो भी सहूलियत है मेरे लिए होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट वो ए सी में वो रूम में अंदर बैठ गई थी ठीक है फिर फिर शहनाज वहा वहां पे कौन कौन है रूल्स नहीं समझ में आते हाँ नहीं आते मोमो के लिए समझ में नहीं आते मोमो के लिए सब सब खारिज है तो शहनाज अः आ... वहां पे कौन है ऑब्वियसली क्राई उनकी पूरी टीम है क्राई बेबी you know, कड़ी पत्ता और मोमो तो शहनाज बोलती है सबको कि जब जब तुम्हें लगे कि वो लोग डिफेंस कर करने आ रहे हैं तो तुम लोग भी वही करना ठीक है सेम और और एक बंदा तू मतलब यू uh, नो you know, कड़ी पत्ता उसको बोलती है कि तू वहीं पे यू you नो know, खड़ा रहे और ठीक uh, है यहाँ पे देम स्ट्रेटीज बिकॉज ना मोमो को मोमो को स्ट्रेटेजी करनी ही नहीं थी हम आगे बोलते हैं क्या हो रहा है ठीक है अः uh, तो शहनाज बोलती है अगर वो लोग डिफेंस करेंगे हम लोग भी वही करेंगे ठीक है मतलब अगर वो लोग मारा मारी पे आए तो हम हम भी हटेंगे नहीं पीछे विल डू वॉट इट टेक्स इज वॉट से फिर यहाँ यू नो जिम एरिया में अः uh, रावण वहां इज लाइंग ऑन द फ्लोर फिर काटा भी झमुरी मसला के तरफ देख काटा झमुरी की तरफ देख रही है मसला सिद्धार्थ की तरफ देख रही है इनके झमुरी और काटा में बहुत आई टू आई इनकी कॉन्वर्जेशन होती थी uh, मोमो और जमुरी की होती थी ओके okay? काफी काफी होती थी और राइट uh, uh, right. फिर फिर यू uh, नो you know, सिद्धार्थ यहाँ बोलता है वापस ठीक है बिकॉज ही हैज नॉट हर्ड रावण और यू नो uh, you know, काटा की कॉन्वर्जेशन शहनाज को लेकर बिकॉज वो शहनाज से बातें कर रहा था तो वो बोलता है कि एक बार देखो फिर से वो अपनी स्ट्रेटेजी समझाता है एक बार यू uh, नो you know, कड़ी पत्ता और मोमो निकलेंगे uh, तो विच मीन्स डू नॉट टच शहनाज ओके डू नॉट गो नियर हर अगर अगर शहनाज को निकालना है तो तुम चारों के ऊपर वो तुम लोग निकालो Uh, एक बार वो हो गया उसके बाद तो तुम लोग एक दूसरे के लिए खेल ही नहीं रहे हो तुम लोग अपना खेल रहे हो As in, तुम लोग लड़ो मरो जो करना है करो बिकॉज शहनाज तुम पे भारी होगी दैट इज वॉट ही वेंग एंड ही बेसिकली यहां पे मेरे को लगा सिद्धार्थ यू you नो know, स्वीटी शुक्ला बिकॉज ही वो सो इज सो स्वीट उसको था कि शहनाज को कोई हाथ ही ना लगाए उसका बस चलता वो वहां से उसको निकाल लेता और उसी को गेम से आउट करता ज़रूरत ज़रूरत नहीं हम हम दोनों को जरूरत नहीं है हम बैठते हो हो है। में। या वो वो वहां पे और के बास्केट में भरता uh, तो दिस आई एक्सट्रीमली स्वीट हियर बिकॉज उसने ये स्ट्रेटजी सेकंड राउंड में भी यही स्ट्रेटजी बोली कि तुम अ यू नो कड़ी पत्ता और मोमो के ऊपर फोकस करो ओके सो एंड जो लोगों को बोलता है कि सिद्धार्थ वेंट अगेंस्ट शयनाज़ टेल मी वेन एंड गिव मी एविडेंस ओके आई थिंक यहां पे ही जब वो लोग बैठते हैं uh, क्या मोमो और क्राइ बेबी वो दरवाजे पे तभी वो बोलती है ना कि अगर मुझे अभी हाथ लगाया तो मैं तो जोर से मारूंगी करके नहीं वेट वेट आ रही हूँ मैं अच्छा रुको रुको, हाँ। रुको अभी नहीं हुआ है हाँ अच्छा। तो फिर तो मोमो यहाँ बोलती है ओके okay, माइक पकड़ के इसको ये माइक पकड़ के सच्ची में जैसे स्नेहा ने बोला उसको लग, लग रहा होगा कि माइक पकड़ के ना बोलो तो शायद कैच नहीं करेंगे बिग बॉस तो आई थिंक शी वाज मेकिंग श्योर कि माइक पकड़ के बोल रहे हैं तो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड द चैनल विल कैच इट माइक पकड़ के बोलती है और एक और एक और एक बार ये मेरी यू नो बॉडी पे यू नो चढ़ी ना मतलब कांटा सो शीज यू नो कंटिन्यूइंग द यू नो द फसाड जो ये लोग झूठ मूठ का ये कांटा ने आके लॉक किया वो किया तो मैं मैं बहुत यू you नो know, गंदा uh, इसको ना बहुत गंदा लगने वाला है ठीक है तो बहुत गंदा लगने वाला है मतलब शीज से ही की अगर सामने से अगर कुछ वाय, मतलब फिजिकल इसका कुछ आया भी तो ओके लेट मी सी इफ आई कैन एक्सप्लेन दिस तो मोमो का मुझे ऐसे लगता है कि अगर यू नो बिग बॉस ने रेप्रमेंड किया आ, फिजिकल हो रहे हैं सब लोग तो वो यहाँ पे इस चीज को यूज करेगी कि कांटा मेरे से फिजिकल हुई बिकॉज उसने मेरे को लॉक किया मैं उसी को उसी पे डालूंगी बिकॉज मोमो किसी की नहीं है चाहे वो हंस भी रहे थे लेकिन बात अगर मोमो पे आई तो शी विल थ्रो काटा ऑल्सो अंडर द बस विदाउट टेकिंग ब्रेथ मतलब ब्लिंकिंग एन आई तो उसका crime, ये, भी और हाँ ये कि अगर मुझे कोई हाथ लगाया तो मैं मारूंगी वो हाँ, जैसे कि स्नेक एंड हेडर टास्क में वाले मैं वो चूटियां काटती है शहनाज हाँ, हाँ शेना जो कैमरा हाँ, पे कभी नहीं दिखाया गया नहीं दिखा शी नोज हाउ टू प्ले लाइक दैट कि मैं चुपके से oh मारूंगी और is पता so, भी दिस इज सो बिजार

एक हाथ भी नहीं है उसके उसके बदले में बोल रही हूँ बेबी छोड़ दे मैं चली जाती हूँ मैं नहीं कर रही सो दिस इज हाउ दिस इडियट लेडी प्लेस No, they, they were all playing together. यहाँ हाँ। पर उसको ये भी था 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 उसको जताना था क्राई बेबी को कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं, लेकिन तुम लोग मेरे लिए लिए क्यों नहीं खेल रहे हो वो क्राई बेबी के घोड़े you know, वाले टास्क में भी जब उसको एक लंबा स्पीच देती है हम लोग अभी तू फुटेज क्यों खा रही है तू उतर अभी घोड़े से और उसको बैठने दे ओ मैं इसको बिठाती हूँ क्योंकि ये मेरी टीम का है आ, मैंने कहा भाई तू घोड़े से उतर उसको बैठने दे राउंड आगे बढ़ा तो यहां पर वो 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 जता रही है क्राई बेबी को काटा के अगेंस्ट की we will get physical with her, okay? फिर, आ, वो बोलता है बिकॉज यू नो कड़ीपत लाइक यू नो क्राई बेबी ऑल्सो से हाँ 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 या करेंगे करेंगे तो मोमो बोलती है देखो अभी ये मोमो का सुनना ठीक है तो मेरे को अपने आप को बचाना पड़ा तो मैं तो मैं बचाऊंगी अगर उसमें उसको लगता है शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट मी देन वाई शुड आई थिंक अबाउट अदर पीपल ओके सो मैंने जितना इस चीज को एनालाइज किया है उसने बोला कि अगर आई विल डू सेल्फ डिफेंस ओके वट एवर अगर इफ शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट मी देन आई विल नॉट थिंक अबाउट हर वुड बी a very natural thing to say, she she says is not thinking about about me then why should I think other वेरी other people टू से मुझे लगता है उसने टोंट मारा कि वो कड़ी पत्ता के लिए नहीं खेलेगी एंड उसको किसी की अभी पड़ी नहीं है वो शी इज फोकसिंग ऑन सेल्फ डिफेंस ओनली बिकॉज नेक्स्ट राउंड पे अगर उसको उसी के टीम ने अगर यू नो क्वेश्चन किया कि तुम क्यों नहीं खेली यू you नो know, कड़ी पता के लिए वो अपना स्टैंड यहीं पे क्लियर कर रही है मैं तो सेल्फ डिफेंस कर रही थी मैंने तो बोला था पहले ही सो दिस दिस वाज हर ऑफ कि मैं अगर तुम लोग मेरे से मत पूछना मैं आई एम प्लेइंग सोलो नाउ दिस इज दिस इज वॉट आई फेल्ट ओके फिर अभी आता है सवा पांच बजे कुछ भी करके हाथ झाड़ना था उस गेम से

वो उस झमुरी के भी नहीं है ओके uh, okay. फिर सवा पांच बजे तो काटा मसला, है? <laughs> वो तो यू you नो know, कटा आने क्यू मारा से भी बड़ा क्वेश्चन है वो <laughs> अभी तक उसका आंसर ढूंढा जा रहा है uh, so, okay. तो सवा पांच बजे अः uh, उसका सीन स्टार्ट है ओके okay. काटा मसला को बोल रही है कि कि तूने देखा ना मैंने मैंने कैसे ब्लॉक किया था मोमो को उसको वैसे ही ब्लॉक करना उसको हाथ पे लगी है वो अपना हाथ ज्यादा यूज नहीं कर सकती उसके दोनों हाथ ऐसे ही नीचे हैं और ठीक है तो होल्ड 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 ऑन 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 ओके ये क्या बोल रही है काटा इज वार्मिंग अप मसला टू लॉक मोमो सो दैट काटा विल फोकस ऑन काटा विल फोकस ऑन शेनाज यहां पर इनकी जो टीम के अंदर टीम जो सिद्धार्थ को बैकस्टेप किया जा रहा था ये उसकी तैयारी चल रही थी ओके okay? uh, तो वीवो पे मोमो और शहनाज बैठे हैं और मोमो uh, जिम जिम के मिरर में देखकर सबको देख रही थी ठीक है उसका ध्यान दूसरी टीम क्या कर रही है उस पर था ऑब्वियसली फिर शहनाज यू नो कड़ी पत्ता को बोलती है बात सुन और फिर बात सुन बोलती है एंड फिर सिद्धार्थ टर्न करता है फिर से सिद्धार्थ टर्न करके शहनाज की तरफ बोलते हैं ओ मास्टर प्लानर शहनाज गौर गिल आ, तो मोमो अपना माइक फिर से होल्ड कर रही है मुंह में और बोलती है कितना अटेंशन मिल रहा है इसको तो यू नो सिद्धार्थ एंड मुझे ऐसा लगता है ना मोमो एक तरफ उसको पता नहीं सिद्धार्थ के साथ अभी उसने लाइक like, पराठे नहीं खाए कंप्लेन किया फिर वो कुछ हलवा बनाने वाली थी पता नहीं क्या बनाने वाली थी वो वाज ट्राइंग टू गेट अटेंशन वेरी डेस्परेटली Okay? और वो इसीलिए उसने वहां पे कुछ बोला कि उसको कितना एटेंशन मिल रहा है कि कि उसको लगा कि उससे यू you नो know, सिद्धार्थ उससे बातें करें उसको सिद्धार्थ की अटेंशन चाहिए थी अः नॉट इन उसका प्यार घंटा उसको वो कुछ नहीं था बट वो तो भाई वो तो यू you नो know, जन्नत की हूर है ऊपर से उतर के आई है उसके पीछे लोग होने चाहिए शहनाज के पीछे क्या है ऐसे तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सही में <laughs> उसको जिसे है ना उसके सेट के लोगों ने भी बोला था ना कि उसको कहीं ना कहीं शी वांटेड होता है ना वो एक पागलों का पागलपन होता है ना कि प्यार नहीं है बस चाहिए चीज क्यों

हाँ, हाँ, exactly. तो कुछ काम की नहीं है इसलिए चुपचाप बैठ जा इधर और एंड ही वाज टोटली लिसनिंग टू शेनास तो उस वजह हाँ, से भी उसको एक चीड मची हुई थी कि हाँ, आ, इसके लिए वेरी नेक्स्ट डे जैसे ही मौका मिला उसने दूर किया देखो शेनास को उस ग्रुप से ताकि हाँ, क्राइवे भी उसकी बातों में ना आ जाए Absolutely. Okay. ओके okay. तो इसीलिए तो मोमो आई थी बिग बॉस थर्टीन में सब लोग बोल रहे हैं कि को 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 चाहिए थी थी वो वो अटेंशन जो आप शेनास को मिल रही है तो तो मैं बोला इसीलिए बिग बॉस में 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 आई थी. उसने रामलाल बार भी भी खड़ा नहीं करता था की

तो फिर बोलता है ओ मास्टर प्लानर शहनाज कौर गिल तो यहाँ पे मोमो बोलती है कितना अटेंशन मिल रहा है उसको तो यू नो सिद्धार्थ शहनाज यू नो प्लान बता रही है तो शहनाज यू नो कड़ी पत्ता को बोलती है अभी ये भी मुझे डिफेंस करेंगे ठीक है तो अगर मेरे को कर रहे हैं तो एंड uh, वो कुछ करती है इधर हमको नहीं वो, आ, वो होता है तो समथिंग होगा मेरे मुझे सुनाई नहीं दिया उसने क्या बोला यहाँ पे मोमो मुझे ऐसे लगा मोमो की आंखों को देख के ऐसे लगा कि वो ये जिम वालों के पास मतलब मोमो झमुरी कांटा इनको आंखों से कुछ इशारे कर रही थी समथिंग बिकॉज शहनाज को वो वाइब आ गई थी कि ये लोग अभी इसको ही डिफेंस करेंगे शहनाज को डिफेंस करेंगे अभी स्पाइडर की आवाज आती है तो सब लोग आ, स्पाइडर की तरफ जाते हैं ठीक है और मसला मोमो मसला पकड़ लेती है मोमो को रावण यू नो कड़ी पत्ता को पकड़ता है और काटा कूद पड़ती है शहनास के ऊपर यहाँ पे झमुरी कहाँ गई हमें नहीं पता ओके फिर झमूरी एक सेकेंड अंदर से आती है रेड जैकेट पहन के ये रेड जैकेट उसको वो जैकेट का आइडिया आया जिप वाला जैकेट का आइडिया आया मसला को देखकर बिकॉज वो अपने जैकेट में अंडे डाल रही थी और उसने शहनाज का रेड जैकेट पहना था जो शहनाज ने बिल्ली वाले टास्क में पहना था मतलब तुम इतना हक से अगर उसका जैकेट लेकर पहन सकती हो तो तुम उसी का बास्केट लेके उसी को साबुटाज कर रही हो तो एक आधे घंटे के टास्क में ही उसकी रियलिटी पता चलती है यू नो जमूरी की अगर उसको इतना होता उसको शहनाज़ के खिलाफ खेलना होता तो फिर उसका जैकेट नहीं लेती खुद का जैकेट लेकर आती वो ठीक है तो ये है उसकी असलियत राइट right? फिर ओके uh, okay, वो आती है फिर सब लोग अपने अंडे uh, मसला वहां पे खड़ी है uh, अंडे वो करने के लिए यू नो कलेक्ट करने के लिए सडनली मसाला ने मोमो को रिलीज कर दिया अपने अपने अंडे यू नो कलेक्ट कर रहे हैं ठीक है रावण यू नो कड़ी पत्ता के पीछे पड़ा है काटा ने लॉक किया हुआ शहनाज को गंदे तरीके से नाउ सिद्धार्थ बैठ आई थिंक जिम एरिया के पास एंड ही इज लुकिंग होपलेसली टूवर्ड्स शहनाज की शिट दिस है बात सिद्धार्थ को समझ में आ गई थी कि ये लोगों ने क्या किया ठीक है एंड कुछ नहीं कर सकता अभी सिद्धार्थ कुछ नहीं कर सकता वो गेम में भी नहीं है और वो जाके कुछ बोलेगा भी नहीं बिकॉज ही इज नॉट इन द गेम एंड तो शैनाज इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ हर लॉक ओके उसके उसके यू you नो know, चंगुल से छूट छूट चाहती थी तो शनाज़ कांटा बोलती है यू नो you know, मेरे कपड़े उतर रहे हैं बिकॉज़ शी वाज गेटिंग वेरी राउडी कांटा बहुत उसके ऊपर चढ़ के तो शनाज़ के कपड़े ऊपर आ रहे थे एंड शनाज़ को वो मंजूर नहीं था राइट एक्सपोज होना राइट उसके उसका शर्ट ऊपर आ रहा था तो आ, तो यू नो साइडो साइडो ऐसी चिल्ला रही है और वो अपने कपड़ों को नीचे एडजस्ट कर रही थी ठीक है एंड यहाँ पर मुझे लगा सिद्धार्थ के ऊपर कैमरा नहीं था ओके वर शोइंग आकर चुपचाप अपने बॉल्स कलेक्ट करती है ठीक है चुपचाप वो किसी के बीच में नहीं आती है क्यों लाइक like, तुम लोग साले लड़ो मरो टीम गया भाड़ में मैं अपने अंडे लेकर अपने बास्केट में डालती हूँ ओके uh, तो ठीक है ये सब हो रहा है पीछे से मसला अपना कर मसला ने लाइक like, मोमो को लॉक किया झमुरी अपना वो कर रही है फिर यहाँ पे कैमरा सिद्धार्थ के ऊपर क्यों नहीं था आ, आ, मुझे ऐसे लगता है कि सिद्धार्थ के शक्ल पे बहुत क्लियरली दिखा होगा हिज हेल्पलेसनेस फॉर दिस सिचुएशन दैट इज वाई चैनल डिड नॉट शो सो चैनल केप्ट शोइंग Other, other शहनाज um, um, uh, और कांटा ना शहनाज अभी यू you नो know, काटा के ऊपर है तेको यू नो तेरा मे को है, नहीं,

चक्कर में, में इसीलिए मैं नहीं आती तेरे पास इस तरह क्या चल रहा है समझ ही नहीं आता वो जो उसके लिए जो एक चिड़ जेलसी थी वो दिखाई देती है बहुत क्लियरली अभी काटा के आंखों मेंउडी अः जो उसके हस्बैंड ने जो बोला था कि गुंडी बन, गुंडी बन, ये गुंडा पन जो उसका उसका जो चिरकुट भाई है और ये उसकी चिरकुट बहन है सेम टू सेम है गंदे दिमाग वाले कंप्यूटर इंजीनियर भी नहीं है वो वो उसने शायद डिप्लोमा कोर्स किया है उस वो जो भी सीखी हो यहाँ इट डजेंट मैटर it doesn't matter how many english movies she ha has watched it doesn't matter how much english she can speak it you know doesn't matter she knows about earth is flat theory this is this shows that wo kis kisam ki bandi hai. Jhuti, backstabber and her उसका जो एक इमेज उसने दिया था कि शहनाज तो मेरी फेवरेट है शहनाज तो मेरी ये है शहनाज तो वो है उसने कैसे किया शहनाज कैसी है ये है वो है यहाँ पे दिखाई देता है आ, उसका जो एग्रेशन एंड शी इज अ एक्सट्रीमली एग्रेसिव ह्यूमन बीइंग शी इज एन एक्सट्रीमली एग्रेसिव ह्यूमन बींग ओके तो आ, ये है वो बंदी और गुंडी है वो लिटरली शीज अ गुंडी ओके okay? तो यू नो शहनाज यहाँ पे कह रही है कि यू uh, नो you know, बहुत प्यार है बहुत प्यार है शीज बहुत यहाँ पे फिर कैमरा एंगल जाता है रावण और uh, रावण और कड़ी पत्ता पे उनका जो टैकलिंग है ना आप लोग देखना बहुत ही फेक लगता है ओके okay? एंड बहुत बहुत फेक है एंड तो और काटा बोलती है झमुरी को कि उठा अंडे उठा और समथिंग एंड सिद्धार्थ इज सिंपली वाचिंग एंड ही इज पिस्ड एस कैन बी ओके फिर एंड ही इज जस्ट वाचिंग शेनाज एंड शेना एंड यहाँ पे यू नो सिद्धार्थ यू नो झमुरी को बोलता है गो गो यू नो पुट इट इनसाइड तो यहाँ पे गोंग बचता है ठीक है एंड लाइक काटा हैड हर लॉक्ड दिस एंटायर टाइम तो सिद्धार्थ इज द फर्स्ट टू से बस राउंड खत्म राउंड खत्म बिकॉज ही अनलॉक 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 हर इमीडिएटली तो यहाँ पे शहनाज बोलती है चल अब साइड हो तो वो साइड होके के शहनाज ना शी गोज रेजिंग एट सिद्धार्थ ठीक है तू है ना तू और उसका कॉलर पकड़ती है दो हाथ से उसको ऐसे शेक कर दिए एकदम पूरा आगे पीछे करती है एंड सिद्धार्थ के दोनों हाथ और ऑन हिज हिप्स ठीक है आई हेट यू तो बोलता है क्या देन शी सेस कि यू you नो know, तेरी वजह से हो रहा ये एंड ही सेस क्या ही वाज कंप्लीटली शॉक्ड एंड ये हो रहा है और मोमो अपने अंडे चुपके से अपने बास्केट में रखती है एंड यू नो सिद्धार्थ रिएक्ट

देखा हो गया ना देखा एंड ही sort of uh, समझ में आया क्यों हुआ um, वो उसको लेके यू you नो know, गुस्सा था नहीं था वो हम बात करेंगे वन एट ए टाइम स्नेहा सॉरी आप बोलो आई बिन टॉकिंग नॉन आप बोलो सॉरी कुछ पॉइंट एड करने नहीं वहां पे जो काटा ने उसको टैकल किया इफ यू सी कि काटा कैसे टैकल किया था मोमो को कंपेयर टू द व्हाट हाउ शी टैकल शैनस इससे समझ में आ जाता है कि कितनी भरी पड़ी थी काटा उसको जैसे सान ने कहा ना शी वाज सो पिस्ड ऑफ विद शैनस सीइंग हर रिलेशन विद सिद्धार्थ कि हाउ इज इट पॉसिबल वो उसको वो एक दिमाग में था ना कि मैग लीड प्लस डी person and how come people can go mad over this type of girl तो action में। उसको पता be her last week in the show तो जो था उसने पूरा अपना चिड़ था जो उस शनाज पे निकाला जैसे वो बोलती है ना कि उसने मुझे नोचा चूटिया मतलब कैचियां मतलब चूटिया काटी एंड ऑल तो वो वो चिड़ था एक तरीके का कट का, काट एक तरीके का नहीं वो चिड़ वो बाहर आके भी उसकी चिड़ समझ में आ गई थी थी अपने से द वे शी वॉज डिफाइनिंग शहनाज तो ये लोग है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते एक नॉर्मल सी लड़की एक शो में आके इतना ऊपर आती है ना तो उनको वो चीजें हजम नहीं हुई एंड वो पूरा उन्होंने उसने ये सीम में निकाला बिल्कुल बिल्कुल ने जो देखा उन उन लोगों लोगों को की वो थी ही नहीं जो किसी की अच्छाई ही देख सकती वो उनके लिए था भी नहीं वो सिर्फ इट वाज फॉर सिद्धार्थ आईज एंड हार्ट एंड ही वाज फॉर हर आईज एंड हार्ट तो उनके लिए था ही नहीं ये इनका रिलेशनशिप इनका ही था ये अपने अपने हिसाब लगा रहे थे अपने हिसाब से और इसका हाँ वो भी था एक वी like, a थिंग चाहे जित एक दो दिन के लिए भी था uh, uh, जितना भी था who knows बट हाउ dare हाउ dare शी गेट्स the अटेंशन फ्रॉम हिम एक जमाने तो में हम, हम लोग साथियों

सो so, उसके उसको बहुत गंदा एक सुपीरियरिटी uh, कॉम्प्लेक्स था बहुत बहुत, बहुत गंदा शी इज सो प्राउड ऑफ हर फिगर ऑफ हर एक्सेंट ऑफ हर एवरीथिंग व्हाटएवर शी कैरीज ऑन बट देखो देखा भाऊ ऐसा करती है पंजाब की कैटरीना का है करता है क्या कोई ओ मैंने देखा तेरे को ओ तेरे को तो दिमाग खराब हो गया था मैंने कहा रुक जा बहन रुक जा <laughs> ओवर मतलब अब भाई कहा बहन कहा <laughs> राखी पे याद आता है बिकॉज फोटोज डालने होते हैं ना जब भाई जेल जाते याद तो <laughs> <laughs> गुड वन गुड वन गुड वन वन लाइनर और मा ठोकाया अभी स्नेहा ने सही सही रक्षा बंधन तो हर एक जन याद कर लेते हाँ, हाँ जेल जाते तो नहीं होता है बिल्कुल बिल्कुल ओके राइट तो, okay. right, तो फिर उसको अपने हस्बैंड पे थी ना ही पे, पे थी बाहर आकर भी उसने बच्ची 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 किया so because she was just not able to get over herself about this so okay so uh color colors ne kya kiya? channel ne kya kiya? channel ne isi pe apna promo karta. apne 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 uh, you know ghar ki roti isi se ye ek, you know promo say because this promo was trending this promo was अगर देखेंगे तो मैं आपको देखा कैसे कैसे प्रोमोस बिकॉज ये वाला तो ये वाला सीन जो है यहाँ पे नहीं दिखाया यूएस वाले एपिसोड में ये था ही नहीं ये पार्ट जो कॉलर पकड़ के वो था बिकॉज इट वॉज

विक्ट्री uh, मतलब मैं कर रही विक्ट्री बिकॉज उसको एक तो शहनाज के ऊपर अपनी चिड़ निकालनी थी और सोने पे सुहागा क्या हो गया शेनाज और स, मतलब सिडनास के बीच में लड़ाई हो गई ओके ठीक है और सो शी वाज ओवर द मून मतलब कांटा उसको लगा एब्सुलटली सक्सेसफुल हाँ कम्प्लीटली लग सब लगे हुए थे देखा हाँ कम्प्लीटली तो फिर शहनाज को बोलती है साली कपड़े उतार देती है और समथिंग लाइक दैट फिर फिर सिद्धार्थ को बोलती है तू ना तू हेलो मिस्टर थोड़ा सा अपनी लिमिट में रह ठीक है तो श, तो यू नो सिद्धार्थ बोलता है मैं और अपने हाथ पीछे करके खड़ा है ओके okay? तो शहनाज बोलती है यस यू तो मोमो बोलती है इसने क्या किया है शैना छोड़ देना तो शी अभी देखो मोमो का अभी मोमो का क्या था पूरे हफ्ते में टैग क्लियर करना है उसको टैग क्लियर करना है उसको अभी अच्छा दिखना है तो यहाँ पर आई फेल्ट उसको ये कमेंट करने का कोई मतलब कोई पॉइंट नहीं था ये बोलने का बट शी टू कम क्लीन टू से आई एम हियर टू मेक पीस मेरे को वायलेंस नहीं पसंद मैं फिजिकल नहीं करूंगी मेरे पे कोई आएगा तो मैं तो खड़ी रहूंगी क्योंकि मैं सॉलिड वुमेन हूँ एंड वो सारे और मैं दो ढाई महीने से खाना पका रही थी ते को अच्छा लगा नहीं लगा नहीं एक महीना बोलती है फिर ढाई महीना बोलती है तो अपने पूरे टैग्स हटा रही थी वो बिकॉज uh, उस दिन भी you know, प्यादे वाले टास्क के बाद बोलती है मुझे खाना बनाना है मैं बनाऊंगी चाहे लेफ्ट ओवर भी है लेकिन वरना वरना मेरे को टैग लगता है कि मैं खाना नहीं बनाती तो यहाँ पे शी सिंपली फोकसिंग ऑन हर ओके ठीक है तो uh, तो Cry baby, पे Momo को बोल अरे क्यों बोल रही है अभी क्राई वे भी अभी अभी सिंपथी इकट्ठा तो करेगा जो उसको करना था उसने एलिट वाले मंडे वाले टास्क में कर दिया था राइट right? जो उसको पोक करना था सब कुछ हो गया एंड नाउ हीस लाइक नाउ लेट इट फ्लाई तो उसका जो जो गंद करना था जो जो वॉमिट करना था उसने वॉमिट कर दिया आ, तो अभी क्या होता है अभी उसको सही बनना है अभी उसको सही दिखना है सही का रास्ता और उसको बिकॉज एक तो वोटिंग भी चल रही है एंड एंड यू नो वीकेंड भी आ रहा है ओके okay? तो ही ही डिड वांट टू बी ऑन ही वांटेड टू बी ऑन द सिंपथेटिक साइड एंड ही इज लाइक ओके किसी और की लड़ाई में मैं घी डालूंगा तो वो मोमो को यहाँ पे रोकता है तो तो शहनाज बोलती है ओए चुप कर यू नो वो कहती है कि यू uh, नो you know, पता मुझे आज मेरे को like, पता चल गया मुझे आज इसका uh, तो तो यू you नो know, सिद्धार्थ इज लाइक like, हाँ 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 तो थोड़ा मुझे सिद्धार्थ की आंखों में देखे ऐसा थोड़ा सैड आई ही वो सैड ही क्या यार तूने मेरे को मिसअंडरस्टैंड किया ऐसे मेरे को लगा ओके आई कुड बी रॉन्ग बट उसकी आंखों से मेरे को लगा कि ओके uh, okay. हाँ, हाँ, तो की हाँ कैसे मेरे को जज किया एग्जैक्टली तो फिर ठीक है तो फिर काटा बोलती है तो, पता है ना पता है ना तो तो सिद्धार्थ उसको बोलता है शनाज को अच्छे से पता रख ओके okay, मोमो बोलती है वो वो तो फिर यहां पे देखो वो चार हैं क्या कर सकते हैं उनके पास एक्स्ट्रा प्लेयर है तो वो ऑलरेडी सिंपत्तियां खा रही है बिकॉज उसको शोरवरी बनना है ठीक है कि ऑडियंस तुम लोग ही मेरे को वोट करो अभी तो सिद्धार्थ यहाँ पे बोलता है अच्छे से पता रख और जितने भी यू you नो know, पपलू है ना आजू बाजू में उनसे उनसे भी पता लगा ले यू uh, नो you know, जितना लगवाना है you know, मेरे बारे में समझ में आया लगवा ऐसे सो ही एंड लाइक तूने मेरे को ऐसे कैसे किया ठीक है तो मोमो बोलती है खेलने दो uh, नहीं तो शहनाज बोलती है और लेकर यू नो चार पांच डिफेंस करने के लिए तो मोमो बोलती है खेलने दो कोई बात नहीं तो शहनाज बोलती है साले खेल तो सकते हैं नहीं यही करेंगे तो मोमो भी देखो हाँ वही वो वही करेंगे वो वही करेंगे सिद्धार्थ बट she उसका अपना उल्लू सीधा कर रही थी कि मैंने कुछ फिजिकल नहीं किया वो लोग ही करते हैं जो फिजिकल करते हैं आई हैव नॉट डन anything uh, तो सिद्धार्थ तो अपने टीम को पूछता है कि किसको निकालना है तो रावण बोलता है यू uh, नो you know, कड़ी पत्ता तो सिद्धार्थ बोलता है यू थिंक एंड ही ऑफ कोर्स तो सिद्धार्थ बोलता, okay, 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 बोलता है तो काटा ना इज कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट सिद्धार्थ की सिद्धार्थ का भी रिएक्शन क्या होगा इज इ वलनरेबल इज गोइंग टू रियक्ट इज गोइंग टू से समथिंग इन इमोशन बिकॉज बोरी वाले टास्क में वो बोलता है ना यार मेरे को है समझ नहीं आई यार ऐसे सो यू आर थिंकिंग कि ये कुछ बोलेगा क्या करेगा तो यू नो सिद्धार्थ ओके सुपर तो 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 यू नो अगर अगर जाएगा फिर तू क्या करेगा गेम में में टास्क तो ही सेज कुछ तो बोलता है झमुरी के बारे में कुछ बोलने शुरू होता है फिर फिर सिद्धार्थ उसको काटता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो क्राईवे बेबी बोलता है कोई बात नहीं ब्रो वेल प्लेड वेल प्लेड बॉय से यू नो कड़ी पत्ता को बोलता है हौसला दे रहा है तो शनाज बोलती है कोई ना बास्केट मत फाड़ना किसी की यू नो बनने 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 दो उसको बनने दे बनने दे ओके okay? तो तो सिद्धार्थ बोलता है यार बिग बॉस बता दो एक बार आप यू you नो know, बेटर है कि अभी इसके आगे क्या करना है तो बिग बॉस से किसी किसी घर वाले को ही यू you नो know, बताना पड़ेगा कि किसकी बास्केट में ज्यादा अंडे हैं तो स, आ, काटा और सिद्धार्थ बोलते हैं सर मसला के ठीक है तो क्राई बेबी बोलता है मोमो मोमो को तीन बार बुलाता है कि आ, कि यहां से उसके लिए मत बोल आ, मतलब सपोर्ट एनीबॉडी हियर तो शहनाज यू नो काटा को बोलती है कि यू नो you know, तेरा तो मुंह तोड़ देती लाइक जैसे तू तु, नो डिफेंस कर रही थी मुझे तो काटा बोलती है है ना तोड़ना तोड़ना तो शहनाज बोलती है तू हाथ लगा के देख तो अरे लगा अरे लगा के दिया तेरे को लगा के दिया तेरे को तो तो शी शी लगा अ, लगा तो दिया, तो लगा दिया लाइक यू नो बजने दे वापस मतलब आवाज आने दे गोंग बजने दे वापस लगाऊंगी तो अभी तो लगा अभी आगे तो 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 लगा आगे तो चीजे यू नो बजने दे टास्क में लगाऊंगी ना टास्क में लगाऊंगी ना ऐसे तो यहाँ ऑब्वियसली सिद्धार्थ को पता चल गया कि टास्क के आड़ में काटा अपना आ, निकाल रही है यू you नो know, भड़ास निकाल रही है तो बिग बॉस मसला से पूछते हैं बिकॉज़ मसला के बास्केट में अंडे ज्यादा हैं बिग बॉस को भी अपने खुद के रूल्स शायद भूल गए थे कन्वीनिएंटली बिग बॉस अपने आ, रूल्स भूल गए थे और मसला उन्होंने बोला मसला के बैग में ज्यादा अंडे हैं तो मसला से पूछा कि आप बताएं कौन आउट होगा इस रेस से बिकॉज इनकी टीम में इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था यू you नो know, कड़ी पत्ता okay? तो वो, वो आ, यहां पे तोनाज इन पैरल यू नो कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, ऑलरेडी उसको पता चल गया ये लोग कड़ी पत्ता को ही निकालेंगे फिर आ, फिर क्राई वे भी शहनाज को बोलता है अभी देख गेम गेम कैसे खत्म होती है तो मसला ऑब्वियसली टेकिंग फुटेज कुछ लंबा चौड़ा एक भाषण देती है इनको फुटेज लेना होता है आ, कि विशाल आदित्य सिंह इस राउंड से आउट करती हूँ क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज होती है इनमें लीडरशिप नहीं है ये नहीं है वो नहीं है पूरा फुटेज ले रही है शी इज ट्राइंग टू शो हाउ शी इज सुपीरियर ओवर एवरीबडी एल्स एंड शी नोज एग्जैक्टली कि कैप्टन यू नो बनने के लिए क्या क्या जरूरत होता है और वो उसमें नहीं है बिकॉज मुझे इन चीज की समझ है देखो बिग बॉस मुझे बनाओ कैप्टन ये था उसका पिच तो शहनाज ना अभी यहाँ पे थोड़ा हल्के से लीन करती है आ, क्राई बेबी पे बिकॉज वो भी थोड़ा थक गई है ठीक है तो क्राई बेबी मैं दिखाता हूँ इसको मतलब इसको पता था कि जो निकलता है वो संचालक बनता है राइट वाज वॉज रूल तो शहनाज अभी उसको विस्पर करती है देखो कसम लगे मेरा बुरा बुरा हाल हो रहा है मतलब वो थोड़ी फिजिकली थक गई थी वहां पे आ, uh, उसने यहाँ पे अच्छी सी गाली दी थी काटी यू uh, नो you know, काटा के लिए <laughs> मैं नहीं बोलूंगी आप लोग देख लो अच्छा <laughs> गाली दिया उसने ठीक <laughs> है फिर uh, मसला का एक नेजल वॉइस होता है और uh, एक ऐसे वार्निंग कुछ कुछ करती है कि कारण ये है कि मुझे नहीं लगता आप भी पूरी तरह कैप्टन बनने के लायक हो कैप्टन में लीडरशिप ये वो दूसरों को आप तो दूसरों को फॉलो करते हो वड़े वड़े। तो मसला सो कॉन्फिडेंट कि अब तो मुझे कैप्टन बनने हाँ। से कोई नहीं रोक सकता संचालक हाँ। भी uh, रावण के इसमें था ना पॉकेट में इसके लिए रावण ने जैसे ही मौका हाँ। मिला पहले इसको निकाला कड़ी पत्ता को ताकि उसका और जो कड़ी पत्ता का जो ट्यूनिंग है बचा रहे एंड देन हीन टेक हेल्प ऑफ मासी की मसला को तू कैप्टन बना करेक्ट तो ही रावन अपनी एक अलग सी गेम रहा ऑन क्लाउड नाइन की अब मुझे सिद्धार्थ का भी सपोर्ट है रावन के पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे को सपोर्ट करने के अलावा काटा तो मेरी मम्मी है ही एंड यस नाउ आई एम द कैप्टन ऑफ द हाउस एंड देन आई विल शो टू रावन कि कौन किसके भरोसे इस शो में आया <laughs> आगे बढ़ा <laughs> हाँ भूले भटके अगर वो इस वीक कैप्टन बन जाती उसने सच में रावण को उसकी औकात दिखा देनी थी हाँ बिल्कुल अग्री अग्री एब्सोल्युटली अग्री हेलो हाँ सो राइट तो यहाँ पे यू you नो know, क्या वो कड़ी पत्ता बोलता है uh, जीरो, थी, जीरो है और जीरो रहेंगी <laughs> वो वो मसला के लिए बोलता है तो so, ठीक है uh, यहाँ पर मुझे क्यों लगा मसला मैडम ने अपने ट्रैक पैंट्स एक ऊपर किया था एक पैर के ऊपर मैंने हुँ. कहा तू पैंट ऊपर करने से सिद्धार्थ शुक्ला नहीं बन गई तू मैडम तू थोड़ा उतर नीचे जैसे तुमने बोला ना हेडबॉय के साथ रहने वाला भी अपने एक... चाय से ज्यादा किटली गर्म हाँ वो बॉम्बे का एक कॉमन स्लैंग है चाय से ज्यादा किटली हाँ। गर्म है भाई वो हाल है उधर मसला का बस मैंने अनाउंस किया अभी देखो कैसे. Oh okay. ah, के, के गुब्बारे भर रहे थे ना मजा ही आ रहा था मसला okay. का जो गुरूर था अपने जलवों पे <laughs> <bang gone. laughs> उसका लगा करीना कपूर साइड हट मैं ही आई हूँ अभी करीना कपूर का तो मार्केट चला गया अभी दो बच्चों की मार्केट गई अब अब ही ही करीना कपूर में <laughs> <laughs> तो ओके फिर आ, मसला वो स्प्रे करती है जो भी यू नो कड़ी पत्ता के ऊपर क्राई बेबी बोलता है और हमारे नए संचालक हैं कड़ी पत्ता इस कार्य में क्या बात है क्या उसको लगा साला घोड़े वाले टास्क में बिग बॉस ने सपोर्ट किया ये तो साला सच्चा आधा ही दिमाग है रे इसका मतलब आधा भी दिमाग नहीं है इसका सिद्धार्थ सिद्धार्थ को उसको जोकर बोलता था ना ऐसे ही नहीं बोलता था जोकर उसको नहीं नहीं ये मतलब क्राइम भी वही बोल रहा है ना कि मैं दिखाता हूँ मैं दिखाता हूँ तो क्या दिखाएगा भाई तू क्या क्या दे हैव नो आईडिया सिद्धार्थ और शहनाज का क्या था मतलब वो, वो बस मतलब यू uh, नो you know, प्यादा जो चाल, चाल चलता है ना लाइक अ पॉन वन वन मूव एट टाइम इनका वन मूव एट ए टाइम ही होता था ये ये चेकमेट वाले बंदे नहीं है सो <coughs> so, और uh, सब जैसे चेस बोर्ड में सबसे पहले बलि चढ़ता है प्यादा वो था हाँ. अपना मासी की हाँ, सबसे पहले हाँ. बलि उसकी चढ़ी पूरे सीजन में हाँ. हर टास्क में करेक्ट बिकॉज उसको सच में लगने लगा कि वो वजीर है बिकॉज सिद्धार्थ ने उसको दे दिया चोरी होने के बाद उसका पूरा उतर गया इज लाइक, ही वॉज डन आफ्टर दैट एंड आई थिंक कहीं ना कहीं रिग्रेटेडेड आई थिंकलीस्ट टू वीक टू वीक्स में या कभी एक अनसीन है वो बोलता है ना वो जोकर ही था जोकर ही, जोकर ही था वो पूरा टाइम ही दैट सो ओके ठीक है फिर हाँ uh... huh. फिर क्या होता है uh... भी बोलता है और हमारे संचालक है कड़ी पत्ता जो अब मैं दिखाता हूँ ये वो तो शहनाज मोमो को बोलती है इसको बोल अब संचालक अच्छा करना बिकॉज <laughs> अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग ही शहनाज और सिद्धार्थ इनके गेम को ओवरटर्न करने वाले थे तो शहनाज के नॉट अगर वो लोग झूठ ये सारी चीजें करेंगे देन इट विल बी हार्ड फॉर देम टू

तो फिर जब वो बोलती है ना यू नो रावण के जैसा करना चाहिए तो शहनाज फिर इमीडिएटली बोलती है जरूरी है मतलब रद्द करना जरूरी है <laughs> <laughs> फ्लो 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 अब बस <laughs> हो, बस हो गया रीपे, <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> तो baby, यहां पे ना गार्डन एरिया में यू uh, नो you know, चल रहा है ठीक है और शहनाज इज स्टिल रेस्टिंग ऑन द ऑन दब लोग अः सब, लो, uh, सब एम टी हो गए हैं और uh, क्राई बेबी यहाँ पे ऐसे ही बोलता है खड़े खड़े की संचालक का डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा राउंड का तो क्राई बेबी से अभी तो किसको निकालेगा खुल्लम खुल्लम खुल्ला खुल्ला बोलो बोलो हा, हा हा ऐसे तो ठीक है फिर यहाँ पे आके बैठ जाता है क्राई बेबी आके बैठ जाता है चेयर पे और फिर सिद्धार्थ वहां पे अपने पैंट्स एडजस्ट करता है शहनाज की तरफ देखते हुए ठीक है और फिर शहनाज उसको देखकर अपने अपने सिटिंग पोस्टर को एडजस्ट करके अपने पैर नीचे रखती है, तू है ना तू आई हेट यू ये पूरा जो तड़कता भड़कता प्रोमो काटने के बाद ये बंदा अपनी पैंट एडजस्ट कर रहा है और शहनाज ने अपने बैठने का यू नो पोस्टर सही किया तुमको किस एंगल से लगता है कि सिडनाज में लड़ाई हो गई है किस एंगल से लगता है हाँ कि कौन हो भाई तुम लोग महान लोग जो ये सारी चीजें देखते नहीं हो हाँ वो चिड़ तो वो चिड़ तो निकालनी है बिकॉज वो उसका बंदा है भाई वो कुछ भी करे उसको झापड़ मारे उसको चप्पल मारे अच्छा उस दिन चप्पल मारा चप्पल मारा चप्पल मारा तब तो हमको क्यूट लगा अभी इसने आके तू है ना तू आई हेट यू तो शहनाज ने ऐसे कैसे किया ओ माय गॉड शी शुड नॉट हैव डन दैट दिस इज सो रॉन्ग तो तुम्हें और हेटर्स में क्या फर्क है <coughs> तुम्हें मतलब मैं तुम लोगों को नहीं बोल रही हूँ वैसे जनरली ब्रॉड बोल रही हूँ तो पता है मेरी बंदी है मुझे आई हेट यू बोल दे मुझे आई लव यू बोल दे कुछ भी बोल दे <laughs> जो बोल बेबी तू तू बोल तू हाँ मैं तेरा हूँ और तेरा ही हूँ हाँ। तो आपको लगता है कि सिद्धार्थ ने ही वर्ड्स लाइक बोले नहीं है तो क्या वो मीन नहीं करता है हर एक एक्शन में वो मीन करता है इसने बोला है तू मेरा है और मेरा ही है सिद्धार्थ ने सिद्धार्थ के वो स्माइल में उसके आई कॉर्नर ऑफ हिज आईज के क्रिंकल में सब कुछ उसने भी बोला कि मैं तेरा हूँ तो फर्स्ट पड़ाव जब हाँ. वाला टास्क हुआ था हाँ तो हाँ. रावण को वो क्लियर पूछता है क्या है तेरा करके तो बोलता है कि वो उस, वो बोलती बोलती नहीं है कुछ भी मुंह से रावण बोलता है सिद्धार्थ को तो बोलता है जब वो सौ चीजों में दिखाती है तो देखो सिद्धार्थ की मेंटालिटी क्या है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स उसका यही हाँ है, हाँ है कि अगर मैं मेरे एक्शन से प्यार दिखा सकता हूं तो बोलने की जरूरत नहीं है एंड वो चीज उसने यहां दिखा दी आई हेट यू बोल के सिद्धार्थ इज सो स्ट्रांग 6 फुट का बंदा इतना हैवी बंदा वो ऐसे हिल गया शयना से एंड सी द का छोटा सा स्टेज uh, पर तो हिमसेल्फ हाँ. उस उसको पता था कि yeah. इसकी चीड़ जो भी है उस इंसिडेंट के बाद मेरे पे निकलेगी मतलब निकलेगी एंड एक्शन पूरा हिलाया उसने सिद्धार्थ को कि ये सब तेरे वजह से हुआ है तूने इन लोगों को सिर पे चढ़ा के रखा है करके एंड इट वाज लाइक नॉर्मली इट्स नॉट पॉसिबल मतलब कोई एक इंसान कोई आ, आ लड़का भी हो उसको हिलाना पॉसिबल नहीं है

कोई अपना ही ये सब कर सकता है यार हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम लोग ये यही होता है ज्यादा मूवीज देखकर ना ऐसी दिमाग खराब होता है कि बस आई लव यू बोलना चाहिए यू नो घुटनों पे जाना चाहिए स्विट्जरलैंड जाना चाहिए गाने गाने चाहिए फूल देने चाहिए केक लाना चाहिए कपड़े लाने चाहिए आ, यू नो परफ्यूम गिफ्ट करना चाहिए अभी जैसे फ्लॉप और उसका जैसे है, जैसे वो परफ्यूम पे ना तू लिखो तुम लोग ने कभी एक दूसरे को गिफ्ट्स नहीं दिए मतलब हाँ, इनका प्यार वो गिफ्ट तक गिफ्ट आई लव यू ये जो <laughs> हाँ जो यू नो परफ्यूम सूंघ के सो रहा है ये बंदा फ्लॉप का आ, वो फ्लॉप ये ये यही ये, ये नहीं होता है गाइस ये नहीं होता है तो दिस इज दिस इज व्हाट इट इज लाइक यू एंड ही एग्जैक्टली लाइक स्नेहा सेड वो है छोटू सी और ये है बड़ा चौड़ा बंदा और वो पूरा हिल रहा है बिकॉज ही वॉज नॉट रेजिस्टिंग इट एट ऑल ही उसको ये बुरा लगा की <clears throat> तू ने हाँ. तू चिड़ निकाल ठीक है बट तेरे को ये कैसे लगा की मैंने ये करवाया तेरे को लेकर मतलब माई स्ट्रेटेजी आई थिंक दैट इज वेर ही वॉज अ लिटिल टेकन अ बैक इज लाइक

Heart, heart shape का बलून जो यू you नो know, दिल चाहता मैं, का बलून, वो प्यार होता है वो <laughs> देखा वहा पे जो लोग एक दूसरे पे गिर गिर के प्यार इजहार कर रहे थे

सोने That's पे सुहागा have... खिड़की वाले कपल हां ऑन द एग्जांपल वही देख रहे हैं वही सीखेंगे देख रहे हैं हाँ, क्या करेंगे और है ही नहीं ना उनको इसीलिए मुझे लगता है सबको ना बिग बॉस थर्टीन देखना चाहिए और और सिडनास को समझना चाहिए बिकॉज़ ऐसा प्यार बहुत कम देखने मिलता है अगर होगा भी ना इस 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 दुनिया में हमको कहां देखने मिलेगा कौन ऐसे कपल्स हैं जो जो यू नो कैमरास लेके घूमते हैं वही ना तो ये दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम मेरे लिए तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम है जो uh, जो देखने मिला और समझने मिला बिकॉज कई लोगों ने देखा भी लेकिन समझा नहीं सो आई फील लाइक दिस इज आवर ब्लेसिंग फॉर हु हैव अंडरस्टूड देयर बॉन्ड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बॉन्ड एंड इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी टू जज आल्सो एंड इट्स नॉट इट्स नॉट एब्सोल्युटली नॉट बट ऑल वी कैन डू इज लव देयर लव दैट्स ऑल So, uh, okay, फिर uh, तो okay, फिर uh, ये सारी बास्केट्स वो होता है खुल्लम खुल्ला बोल दे अभी कौन है ये है वो है uh, तो वो एडजस्ट करके बैठ जाती है ठीक से ठीक है फिर क्राई बेबी बोलता है यू uh, नो you know, कड़ी पता अबाउट uh, थोड़ा स्मॉल टॉक है उनके स्ट्रेटजीज की uh, नो you know, संचालन कैसे करना है ये वो तो मसला भी थोड़ी कॉकी हो गई है ओके okay? मतलब बहुत अकड़ आ गई है उसमें थोड़ा एटीट्यूड दे रही है कि इनको नहीं पता हम हम ये संचालक आ, आ, मतलब इनको नहीं पता कि ये कि यू नो ये ये संचालक है और ऐसे कुछ क्लैप करती है वो टॉन्ट मार रही है कि संचालन कैसे करना है इनको नहीं पता ये अभी नोट्स लेंगे ये करेंगे वो करेंगे Uh, तो तो मतलब एंड यू नो सिद्धार्थ इज आल्सो सेइंग हाँ उन्होंने ये ये यू you नो know, पढ़ा होगा इन लोगों ने uh, कि यू you नो know, चिट्ठी में ओह शिट यू नो पता ही नहीं था ओ ओ ओ तो यू you नो know, कड़ी पता गोज इन टू द स्मोक रूम मोमो जाती है वहां पे उस एरिया में ठीक है uh, फिर फिर काटा बोलती है ओ oh, हमने ये सोचा नहीं हम ये सोच ही नहीं पाए यार ऐसे तो, तो यू नो कड़ी पत्ता से हाँ यू नो बस तुम लोग झुंड में खेलो तो आ, तो सिद्धार्थ कुछ उसको रिप्लाई करता है जब नो तो तब हाँ तो यहाँ पे बोलता है झुंड का बोलता है सिद्धार्थ की झुंड हो गया तो लाइक like, जब नौ नो लेके घूमते थे तब क्या हुआ था देखेंगे ना देखेंगे ना देखेंगे देखेंगे भाई देखने के लिए तो यहाँ पे यू नो बैठे हैं तो ये टॉन्ट था मोमो के लिए जो नौ नौ लेके घूमती है ना झुंड में घूमती है बिकॉज़ हमेशा प्यादे चाहिए थे ट्रेन टास्क टास्क साफ टास्क मंडप साफ एवरी टास्क एवरी टास्क रानी टास्क उसको झुंड चाहिए होता है अकेले तो कुछ कर नहीं पाती है तो ये झुंड नो नो लेके घूमना टॉन्ट मोमो के लिए था झुंड वो लोग लेके घूमते हैं तो Uh, तो शहनाज भी ना ऐसे बोलती है यू you नो know, घटिया बंदा ऐसे कुछ तू 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 सही था uh, तो यू नो सिद्धार्थ इज लुकिंग एट फिर क्राईवे भी बोलता है आज पता था, आज पता चला तुझे मेरे को पहले मैंने ही पता चल गया था तो शहनाज कहते तू सही था तू सही था तो सिद्धार्थ बोलता है क्या बात है इसको पहले मैंने पहले महीने ही यू uh, नो you know, पता चल गया यू uh, नो you know, है शिट oh, पहले महीने यू नो मालूम पड़ गया पहले दिन से चूस रहा था तब तब नहीं मालूम पड़ा इसको uh, कि कौन क्या है अः uh, और हंसता है वहां पे और, uh, और दो कौन यू uh, नो you know, बैठ रहे हैं वो 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 पहले दिन से क्या थे वो सबको पता है तो देखो

एंड लाइक सो ही इज देन से पहले दिन से तुम क्या थे बिकॉज सिद्धार्थ को पता है शहनाज जो पहले दिन से है वो आज भी वही है शी इज स्ट्रेट फॉर्वर्ड शी इज ट्रूथफुल्ग मतलब ही इज टेइंगज माइंड बट हीज हर्ट कि क्राई बेबी कैसे बात कर रहा है कि ही इज हर्ट कि मैंने इतना रिलेशनशिप में दिया फिर क्राई बेबी आके मेरे को बोल रहा है कि ये तो मुझे पहले महीने पहले महीने को अगर पता था तो बार बार क्यों जा रहा था सिद्धार्थ के पास यू you नो know, बोरी वाले टास्क में बोलता है तू ना भाई तू बहुत रूड है तू भाई ये है तू वो है फिर आ गया उसके पास यू you नो know, टनल वाले टास्क में भी बोलता है जब सिद्धार्थ कॉल्स हिम आउट एंड सेज यू नो लेट्स फ्लाई अलोन तब उसकी फट जाती है फिर मंडप वाले टास्क में उसको बहुत, बहुत चौड़ में आता है क्यों क्योंकि उसको सलमान खान ने बोल दिया कि ये ही मैन है ओके okay? तो uh...

चेक माइंड फाइंड द पॉइंट जहां पे लॉजिकली हाँ. हम, हम लोग रुक, रुक सकते हैं रुक सकते हैं बिकॉज़ एक है अभी थोड़ा है ये करने के बाद ना फिर वो 5:30 का सीन होगा फिर वो 5:30 के मैं सोच रही थी नेक्स्ट सीन तक हम कंटिन्यू करते हैं ताकि फिर वो सीन सीन तक कट रहता है ठीक है चलेगा मुझे है ना ये जब सिद्धार्थ बोल रहा था ना जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना कि सिद्धार्थ जो उसके साथ हुआ जो उसने सोचा ना कि इसने मुझे कैसे जज किया वगैरह अब वो अपनी दिल की भड़ास निकाल रहा था एंड प्रॉब्लम ये था कि क्राई जो बकवास क्राई बेबी बार बार क्यों बोल रहा था कि संचालक का फैसला आखिरी है बिकॉज उसने जो किया घोड़े वाले टास्क में वो उसको नल एवॉड करना चाहता था ताकि वीकेंड के बाद पे फोकस कड़ी पत्ता पे आ जाए और उसका हाँ, फोकस हट हाँ. जाए मतलब उसके ऊपर हाँ, कोई उंगली ना उठाए इसके लिए वो बार बार कड़ी पत्ता को भी बोल रहा था कि जैसे मैंने गलती की ना तू भी गलती कर ताकि अगर डांट पड़े तो दोनों को पड़े या तो दोनों कोई चीजें ही डिस्कस ना हो एंड सिद्धार्थ वो जो बोल रहा था कि वो बिकॉज बहुत अनवॉन्टेडली बोल रहा था उसने पूरे दिन में क्राई बेबी के साथ उसने एक भी बात नहीं की इन क्राई बेबी रह रहे कि फिर से उसको पों कर रहा तो इसलिए सिदात ने उसकी असलियत उसको दिखा दी और उसके बाद वो फट गया फिर से उसने दिखा दिया कि कैसे तू मेरे आगे पीछे डोलता था इस गेम में सरवाइव करने के लिए और अभी इतना चौड़ बन के बैठा है ना वो भी मेरे और शैनास के वजह से ही बैठा है तू एब्सोल्युटली हम्म चलो आई एम गेटिंग इन एंड आई विल बी देयर इन कमिंग फिर तो बाहर फिर ठीक है बाई हाँ हाँ ठीक है ठीक है ओके ओके गो एक गाइस आई विल बी राइट बैक Okay. Okay, let's continue. Uh, hmm. Pani <laughs> ओके, okay. ओके okay, तो तो सिद्धार्थ बेसिकली हाँ लाइक like स्नेहा से थोड़ा अपना आ, वो निकाल रहा था <coughs> हर्ट जो था यार अभी कॉफी ब्रेक नहीं लूंगी आई हैव माय कॉफी आफ्टर लाइव बिकॉज़ इफ आई टेक अ ब्रेक फिर लंबा हो जाएगा सो so, ओके okay, तो ठीक है वो हो गया उसका उसने जो बोलना था वो बोला एंड uh, जिस तरह से बोला आई थिंक शहनाज वॉज ऑल्सो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रहा है बट सो हाई ऑन की ये कैसे उसने वो किया यू नो हाउ डिड यू डू दिस काइंड ऑफ डिफेंस अगेंस्ट मी तो वो अपना है सिद्धार्थ अपने इसमें है राइट और रोंग हम कौन होते हैं बट बट ये हुआ ओके okay? राइट right. फिर क्राइम भी, यू नो कढ़ी पत्ता को बोल रहा है सुन ना सुन ना ही इज like, लाइक uh, यहाँ पे देन यू नो कढ़ी पत्ता सेस कढ़ी पत्ता सडनली कुछ वो बोलता है कि uh, क्या क्या यू you नो know, मुझे बोला सिद्धार्थ क्या मुझे बोला कुछ ऐसे तो तो सिद्धार्थ उस लाइक सॉरी सॉरी यू नो तेरे नो नो ही सेस सॉरी ऐसे बोलता है सॉरी आई कॉट आई रोट द रॉन्ग ही सेस सॉरी तेरे मुंह पे बोलूंगा जब जब बोलना होगा यू नो समझ में आया सो क्राइम बेबी सेस हमारे से फट्टी है तो पीछे से बोलेगा ये तो सिद्धार्थ बोलता है हाँ समझा फट्टी फट यू नो फट्टी नहीं है मेरी समझा फट्टी नहीं है सो शैनज इज लाइक इसका इसका बस चले तो ये तीन चार चढ़ा दे मेरे ऊपर तो सिद्धार्थ तो उसको ध्यान नहीं दे रहा है ही स्टिल टॉकिंग टू अह क्राइबबी एंड ही सेइंग समझा फट्टू कौन है देख लिया तो शैनज बोलती है फट्टू कौन है पहले हमने देखा तो सिद्धार्थ सॉरी क्राइबबी यहाँ पे हंसता है एंड uh, फिर सिद्धार्थ बोलता है, चलो ग्रेट तो पे इन द बैकग्राउंड झमुरी इज कलेक्टिंग हर एग्स ओके एंड पुटिंग कलेक्टिंग एग्स एंड पुटिंग इट इन द बास्केट तो वो एक अपना एक इमेज दे रही है कैमरा को कि देखो मैं तो मैं तो कितनी अच्छी बच्ची हूं मैं तो बॉल से इकट्ठा कर रही हूं मैं तो अपना ही खेल रही थी मैंने तो कुछ किसी को कुछ बोला ही नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं पता नहीं लोग मेरे को क्यों गलत समझते मैं तो कितनी सही हूँ कितनी डिग्निफाइड हूँ वो उसका वो चल रहा था उधर पीछे अपना कर रही थी वो तो नो uh, तो, ओके you know, okay, चलो ग्रेट यू नो वेरी गुड तो तो शहनाज बोलती है कि यू uh, नो you know, तुझे कौन लगता है नहीं लाइक यू नो तुझे क्या लगता है कि मैं फट्टू का दोबारा से साथ दूंगी है तो सीधा uh, ऐसे वैसे मना करता है नोड करता है uh, तो तो लाइक शी अः कि फट्टू के साथ खेलूंगी इज लाइक like, क्या बात है तो जान के मत कर चुप रहे तो मैं नहीं रहूंगा मैं नहीं रहूंगा शनाज बोलती है तेरा पता है तो दिस इज अगेन ये लोग अपना ही कर रहे थे अपना एक दूसरे के ऊपर जस्ट वेंटिंग जस्ट वेंटिंग एंड इट दे नो कि हाँ उसने फटू फट्टू का साथ दूंगी फटू मतलब वो सिद्धार्थ के लिए नहीं बोल रही थी फटू तो कांटा है ठीक है बिकॉज काटा में दम नहीं था खेलने का गेम ठीक से इसीलिए उसने ये गंदा वाला टैकल किया ना बिकॉज टैकल वॉज नॉट इन दिंग एट ऑल आप फेयर खेलो दूसरे टीम के साथ फेयर खेलो बट uh, काटा कुड नॉट हैंडल तो फटू वो उसके लिए था बट शी वॉज वेरी हर्ट शहनाज वॉज वेरी हर्ट इन हर बिकॉज उसको लगा सिद्धार्थ को लगा ये वो बहुत कुछ हो रहा था ओके okay? uh, फिर शहनाज बोलती है यू uh, नो you know, तेरा पता है uh, तू क्या करता है तो ये जब इनकी बातें हो रही थी आगे पीछे uh, मसला रावण काटा दे वर कम्प्लीटली एंजॉइंग दिस फाइट ठीक है आप उनको देखना दे वर रिजॉइसिंग दिस सोर्ट ऑफ इनका जो आगे पीछे हो रहा था तो एंड एंड सिद्धार्थ वाज लाइक अरे रे रे अब अब यू नो बताएंगी uh, You know, तेरे को मेरा कमीनापन और तू और तू जान ले अच्छे से याद रखना समझी अच्छे से याद रखना सब बताएंगे वो मतलब वो लोग तेरे को बताएंगे मेरा कमीनापन मतलब वो मोमो और अभी तो क्राईवे भी की बातें सुनेगी उसको ये था कि अभी तू क्राई बेबी के बातों में हां में हा मिला रही है अः uh, कि क्राई बेबी जितना मेरे लिए मतलब तू को इतना बुरा लग रहा है ते को इतना गुस्सा आया है कि तू क्राई बेबी के बातों को मान रही है उसको वो भी हर्ट हो रहा था कि तू कैसे उनके बातों में देखो दिस इज ऑल हिज ऑप्टिक्स अभी शहनाज बातों में आ रही है नहीं आ रही है वो हम अलग से देखेंगे बट हम सिद्धार्थ के तरफ से देखेंगे तो सिद्धार्थ वॉज हर्ट फॉर दैट बिकॉज right? तो यू को सब अच्छे से बताएंगे वो मेरी सारी पोल खोलेगा ओ शेट तो तो सिद्धार्थ ऐसे सल्यूट करती है उसको ठीक है क्राई ना, शहनाज का वो चिन्ह करते हैं कायर की डेफिनेशन पता है कायर की डेफिनेशन पता है कायर ऐसे बोलता है Okay? Uh, तो, तो you know, uh, you know, बाजू में बैठी है तो ऑब्वियसली वो कांटा को कायर बोल रही थी तो सिद्धार्थ ऐसी हंसता है हा 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 तो क्राई बेबी uh, से मैं इससे पूछ रहा हूँ uh, तो शहनाज लाइक तेरे बाजू में बैठी है तो कांटा इज लाइक मैं मेरे से भागता है वो डर के मैं कायर कायर तो वो है मैं कायर ऐसे उड गई गई वो आ गई अपने उसको मौका ही चाहिए था चीखने का तो आ, और यहाँ पे ये सारी लड़ाई हो रही है मसला जिम में जिम के मिरर में अपने आप को देखकर यू you नो know, पाउंट लाइक पाउट कर रही है ठीक है कि उसके लिप्स कितने अच्छे हैं बिकॉज करीना पाउट करती है ना इज नोन फॉर हर पाउट तो इसको लगा इसकी पाउट करीना का पाउट क्या मेरा पाउट देख लो बस यही है जिंदगी तो वो अपना शॉट दे रही थी कैमरा में ओके आ, फिर आ, आ, और झमूरी अभी भी बॉल साफ कर रही है बॉल वो ले रही है बिकॉज़ घर की जिम्मेदारी तो उसी पे है ना पूरा घर का काम करती है पूरा लेफ्ट ओवर खाना भी खाती है ताकि ना कोई कुछ कुछ चीजें ना यू नो बची नहीं वो वो यू नो कढ़ाई में से भी सब्जी ऐसी वो में खा लेती है बिकॉज फिर साफ करने में आसानी हो जाएगी ना तो वो सबका ख्याल रखती है वो पीछे से अपने बॉल्स इकट्ठा कर रही है जमूरी ओके okay. फिर मोमोस uh, में अभी तक अः uh, वो अंदर ही है और रावण ऐसे इधर उधर यू you नो know, चल रहा है सैर कर रहा है गार्डन में फिर सिद्धार्थ बोलता है कायर वायर छोड़ दे मेरे को बता क्राई बेबी के डेफिनेशन क्या है ओके okay. Uh, तो यहाँ लाइक like, काटा हस्ती है ओके okay? फिर uh, वो बोलता है, you know, सिदार बोलता है है यू नो ये रोतड़ा तो शहनाज बोलती है जो तेरे साथ खड़ी है जो तेरे साथ खड़ी है uh, उसके साथ कौन खड़ी है कायर क्राई बेबी वो है वो अभी शहनाज काटा को वो कर रही है और सिद्धार्थ क्राई बेबी के ऊपर आ गया ठीक है अः तो तो इन्हों सीधा बोलता है ओ मेरे को चोट लग गई मेरे को चोट लग गई मिला ये हो गया मिला ये हो गया ऐसे उसको वो कर रहा है मतलब छोटे बच्चे जैसे रोते हैं वैसे इमिटेट कर रहा है उसको मॉक कर रहा है तो शहनाज बोलते हैं जो तेरे साथ खड़ी है वो क्राई भी है अः यहाँ पे बहुत सही टॉन्ट मारती है यू नो हिट वेर इट हर्ट्स तो दिस इज वॉट शहनाज डेड टू काटा यू नो बेचारी का कोई साथ नहीं देता बेचारी का कोई साथ नहीं देता एंड लाइक like, मैंने यहाँ पे कमेंट में लिखा है ब्रा वो शनाज कौर गिल उसने कांटा की गेम खोल दी मतलब कांटा के जो इनसिक्योरिटीज थे वो खोल दिए वहां पे कि एंड में काटा के लिए कौन खेल रहा था नो काटा कांटा के लिए कोई नहीं खेल रहा था बिकॉज <coughs> रावण मसला के लिए खेल रहा था मसला रावण को यूज करके खुद के लिए खेल रही थी उनका वो था एंड सिद्धार्थ वॉज नॉट प्लेइंग फॉर हर डेफिनेटली नॉट प्लेइंग फॉर हर मोमो वॉज डेफिनेटली नॉट प्लेइंग फॉर हर बिकॉज मोमो ने ये वीवो चेयर पे ही यू you नो know, बोल दिया था uh, ये लोग ऐसे ही करते हैं ये लोग लड़ाई ही करेंगे लड़ाई ही करेंगे तो उसने कोई कांटा का सपोर्ट नहीं किया तो यहाँ पर जो शहनाज ने उसका एक चीज बोल के उसका पूरा खोल दिया लाइक like, ब्राव वो शहनाजिलुटली इनक्रेडिबल uh, और कुछ जरूरत ही नहीं थी uh, काटा सब काटा हैज एवरीथिंग बॉडी शेमिंग वेट शेमिंग इमेज शेमिंग कैरेक्टर शेमिंग एवरीथिंग एवरीथिंग सब कुछ एज शेमिंग शहनाज को तो एज शेमिंग भी किया सब कुछ किया शहनाज ने क्या बोला तेरा तो कोई साथ ही नहीं देता uh, हो गया उसका फिर भी भी काश तेरी भी बास्केट कोई यू uh, नो you know, भरे हाय ऐसे बोल दिया हिट वेर इट हर्ट्स एंड दिस वाज एब्सोल्युटली सैवेज हिट वेर इट हर्ट्स इन द सेंस नॉट इन अ पर्सनल वे राइट बट ये एक बहुत

वो सबको यूज कर रही है सब लोग उसको यूज कर रहे हैं एंड इट वॉज एब्सुलटली इन इन दल लाइन ऑफ द गेम शी सिंपली स्टेटेड फैक्ट्स उसने कुछ एक्स्ट्रा पर्सनल जाके नहीं बोला ओके okay? तो फिर फिर क्राइम भी बोलता है लानत है लानत है लानत है. तो तो शनाज बोलती है लख लान लख लानत है तेरे पे तो कांटा बोलती है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सिद्धार्थ कांटा को बोलता है Uh, उल्लू बना दिया शिट, oh, इन लोगों को पता है गेम इन लोगों को पता है गेम तो शहनाज यू uh, नो you know, बेचारी को डिफेंस करने के लिए रखा है कि कि जोर दिखाने के लिए रखा है <laughs> अच्छा बोला उसने <clears throat> अच्छा बोला बहुत

तो अभी सिद्धार्थ अंदर है uh, okay? सिद्धार्थ अंदर है कि झमूरी अंदर है झमुरी क्या करिए अभी बॉल इकट्ठा किए बॉल झुकना इधर उधर हो गया तो मैडम जी को भूख लग गई और सोमवार भी नहीं है अंदर कड़ाई में चावल रखे थे तो उसने एक यू you नो know, कटोरी में चावल रखे खा रही थी ओके okay? अभी देखो कैसे झमुरी कैसे इस्तेमाल करती है लोगों को ओके okay? तो अरे लंच टाइम नहीं उसका स्नैक टाइम था उसका स्नैक टाइम था ओके okay? तो सिद्धार्थ आके बोलता है झमूरी को वो आके वो आके मारी किस हिसाब से बे, ऐसे तो झमूरी इज इन द किचन ओके शी इज लाइक किस्निंग बिकॉज़ जमूरी को अभी बुरा बनना नहीं है ऑडियंस के सामने उसको वोट्स चाहिए करेक्ट उसको लगी पड़ी है अभी उसको खुद के लिए कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज़ उसके लिए कोई से उसके लिए कोई खेल नहीं रहा है ठीक है वो अपना भी इमेज इमेज सुधार पे है ओके okay? इमेज सुधार पे बैठी है वो और उसको बस यही करना है कि एटलीस्ट कुछ नहीं हुआ तो ऑडियंस की वोट ही मिल जाए और उसको सही दिखना है बिकॉज बिकॉज इज इज टेलिंग हर हर एंड प्लेइंग फॉर उसके बास्केट में कोई अंडे नहीं डाल रहा है इधर मसला के इसमें डाल रहा है और वो उतनी स्ट्रांग नहीं है फिजिकली कि वो टास्क एक्चुअल में खेले सो so शी उसको भी एक रियालिटी चेक अपने आप में मिल गया तो वहां पर अभी वो थोड़ा तूने मेरा प्यादा बढ़ाया अभी ये भी कर देना उसका वो था अप्रोच आई फेल्ट uh, स्नेहा uh, स्नेहा गई होपफुली आ जाएगी <coughs> तो ठीक है uh, स्नेहा आ जाओ यार ओके okay. ओके okay, तो वो बोलता है उसने किस हिसाब से मेरे को मारा तो ये बोलती है कि अच्छा मैंने तो कुछ देखा ही नहीं टाइप ने, कि किसने, किसने, ने सिद्धार्थ को मारा है आज मतलब ये क्या दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये इतनी कंफ्यूज है ओ मेरा तो ध्यान ही नहीं है मेरा तो कुछ है ही नहीं मैं तो ये बस इधर ओके तो, तो सिद्धार्थ बोलता है मेरे को धक्का हाँ ऐसे तो अच्छा सुन अभी एक बात उसको अभी खुदगी पड़ी है अगर ये बात अगर वो आ, अगर वो सेफ होती है ना अगर वो सेफ हो जाती या उसको मतलब उसको इम्यूनिटी की जरूरत नहीं थी तो वो पक्का शहनाज के लिए कुछ गंदा बोलती लेकिन अभी प्रायोरिटीज फर्स्ट राइट हर फर्स्ट प्रायोरिटीज हर सेल्फ तो उसको अभी गलत नहीं दिखना था शहनाज के लिए कुछ बोलने के लिए बोल के बिकॉज कहीं शहनाज के फैंस आ, बिकॉज उसको शहनाज के फैंस के वोट्स की भी जरूरत थी उसको सबके वोट्स की जरूरत थी राइट right? तो अच्छा सुन अभी एक बात ओके okay? uh, तो like, uh, अभी ज्यादा हो रहा है फुकट का और वो वहां पे सिंक पे है सिद्धार्थ सिंह पे है ना मैं देख रही हूँ सिद्धार्थ आया लिविंग एरिया में फिर किचन में गया फिर सिंक के पास गया ना उसके हाथ में बॉटल थी या वो बॉटल को ढूंढने आया उसको पानी चाहिए था लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था वो ऐसे ही घूम रहा था इधर उसको बॉटल नहीं मिली या उसको देखना था कि झमुरी के दिमाग में क्या चल रहा है वन ऑफ द टू मे बी बोथ ओके मे बी बोथ सो ठीक है तो लाइक वो अपने इसमें ही है कि अभी ज्यादा हो रहा है फोकट का एंड uh, तो झमुरी बोलती है एक बात एक बात एक बात मेरे को पूछनी है तो ही सेज हाँ ये तो पक्का है कि मैं नहीं बनूंगी ही इज लाइक क्यों तो अब मैं तेको अभी आप नहीं है अभी तेको अब मैं तेको एज अ फ्रेंड बात कर रही हूँ क्योंकि तो मेरा बाहर से भी फ्रेंड है अंदर से भी फ्रेंड है और मैंने तेरा और मैंने तेरा प्यादा बढ़ाया ते को याद है ना सिद्धांत मैंने को स्वीट लाइन भी काट के दिया तो एज अ फ्रेंड बात कर रही अभी एज एज अ अ फ्रेंड मतलब तू बात करने वाली थी ये ऑब्वियसली चीज बोलने की क्या जरूरत थी कि एज अ फ्रेंड बात कर रही हूँ मतलब तेरा क्या है मतलब तू और है मतलब तू है क्या मतलब वॉट लाइक वॉच यू पॉइंट सो एनी वे उसके दिमाग में कौन कौन जाना चाहता है बट मैं एज अ फ्रेंड बात कर रही हूँ मतलब ये जताना है ऑडियंस को कि मैं सिद्धार्थ की फ्रेंड हूँ कि ये गेम वेम छोड़ अभी अपन ना जैसे अपन बाहर बात करते हैं ना तो वैसे ही अभी मैं तेरे से बात कर रही हूँ अभी एज अ फ्रेंड बात कर रही हूँ ठीक है ये मतलब साला क्या पागल समझाए क्या हमको उल्लू समझाए यू नो तू इतनी शाणी है नहीं तो बन मत ओके okay? ऐसे बोलने का मन हुआ कि एज अ फ्रेंड बात कर रही हूँ तो हिज लाइक like, हाँ 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 भाड़ में गया आपका टास्क सब समझ में आ गया तो हिज लाइक ठीक है बोलना अच्छा अभी भाड़ में गया टास्क बिकॉज मैडम जी को सेव होना है किसी बाय हुक और क्रूक ओके okay? तो बोलती है यू uh, नो you know, चलो ये सब आउट हो गए ठीक ये सब मतलब दूसरी टीम वैसे भी यू नो uh, you know, कड़ी पत्ता गया वैसे भी अः शहनाज और मोमो गए ठीक सब लोग गए ठीक बिकॉज मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूं हमारी अंडरस्टैंडिंग है मैंने स्वीट लाइन के दिया मैंने तुम्हारा प्यादा बढ़ाया ओके okay? वो जता रही थी यहाँ पर अः तो हाँ ठीक like, है बोल ना आगे बोल तो चलो ये सब आउट हो गए फिर फिर यू you नो know, बचे मैं और काटा और रावण और मसला रावण और मसला एक दूसरे के लिए खेलेंगे आ, तो 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 सिद्धार्थ अगर ऐसा हुआ, मतलब अगर उनकी टीम आउट हो गई अगर ऐसा हुआ तो तुम और कांटा एक दूसरे के लिए खेलो जो जीतेगा वो जीतेगा जो स्ट्रॉगेस्ट है वो जीतेगा मेरा मकसद है सिर्फ हम चार लोग रेस में रहें उसके बाद फिर तुम लोग लड़ो मरो जो करना है करो अपने में करो ओके सो दिस इज एपसोल्यूटली दिस इज बेसिकली सिद्धार्थ सिंह अभी मैं देखता हूं तुम लोग तुम लोग क्या करते हो और मुझे पता है तुम किसी के नहीं हो कोई किसी के लिए कोई किसी के लिए नहीं खेल रहा है अः एंड ओके एंड एंड बिकॉज ने काटा की गेम एक्सपोज कर दी थी बाहर कि तेरे लिए कोई खेल नहीं रहा है ठीक है ना जमुरी खेल रही है सो बिकॉज इट स्टिल मीट्स हिज ओवरऑल की कोई कैप्टन नहीं बनेगा ओके <coughs> okay? तो uh, जो स्ट्रोंगेस्ट है वो जीतेगा मेरा मकसद है तुम आपस में करो ये लोग शहनाज नहीं है तो ये लोगों में उतना दम नहीं है रावण वॉज ऑलरेडी यू नो गिविंग अप ये होने से रहा सो सो ही देन और यहाँ पर ये मैडम जी खाना खा रही है ठीक है और uh, अपना चावल खा रही है एक एक यू you नो know, कटोरी में लेकर चावल खा रही है ठीक है और शीज लाइक अपना होगा नो ही सेज अपना होगा नो no प्रॉब्लम और वो यहाँ पे हम्म हम्म कर रही है अपने बाहर नहीं होना चाहिए बस मेरा सिर्फ वो कहना है कि तू मोमो के लिए टीम के लिए खेल और उसने कुछ भी उसको जो चाहिए था उसने कुछ भी सिद्धार्थ ने कुछ नहीं He just stated द facts अपना अपना खेलो जो वो वॉश एरिया टास्क शुरू होने से पहले जो बोल रहा है वो वही बोल रहा है कि जो पहले का था उनको आउट करो तुम्हारे में तुम लोग लड़ो मरो आ, फिर देख लेंगे क्या होता है बिकॉज उनको आउट करना मतलब उनका संचालक होगा अगर उनका संचालक होगा तो दूसरी टीम को तो वो जीतने नहीं देगा और दूसरा दूसरी टीम की संचालक मतलब क्राई बेबी और और कड़ी पत्ता मोमो एक के से एक, एक सॉरी एक से बढ़कर एक डेढ़ है संचालक का उन्होंने देख लिया था घोड़े वाले टास्क में संचालन कैसा हुआ था अगर ये हुआ तो सिद्धार्थ वॉज होपफुल कि क्राई बेबी और कड़ी पत्ता आउट ऑफ स्पाइट सिद्धार्थ की टीम को जीतने ही नहीं देंगे तो वो अपने आप में पूरा टास्क नल एंड वॉइड होना ही है दैट इज वॉट आई फेल्ट सिद्धार्थ स्ट्रेटेजी वाज़ फ्रॉम डे वन सॉरी मीनिंग फ्रॉम दैट जब वो टास्क का रूल्स अनाउंस हुआ था इसीलिए उन्होंने पहले व्हेन व्हेन रावण सेड कि कि कड़ी पत्ता को निकालना है ही इमीडिएटली अग्री बिकॉज कड़ी पत्ता जोकर है कड़ी पत्ता को नहीं समझ में आता है कुछ भी रावण जैसे स्नेहा ने बोला कि रावण का था कि मैं उसको अपने साइड में लूंगा और वो 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 मसला को फेवर करेगा और बाकी उनको निकालते रहेगा लेकिन उनको वाइडर पिक्चर नहीं दिखा कि दूसरी टीम कैसे अभी वाई बेबी एंड कड़ी पत्ता एंड मोमो प्ले से प्ले फेयर दे विल नॉट प्ले फेयर सो ही न्यू दिस विल वर्क इट सेल्फ आउट और जब वो बोलता है अच्छा ये, ये तीनों निकल गए देखा जो ये लोग नहीं देख पाए उसने वो देखा कि ये लोग तो एक तो ढंग का संचालन नहीं करेंगे अगर करेंगे भी तो वो लोग इनकी टीम को क्यों जीतने देंगे पागल है क्या यहाँ यहाँ पे बैठ के वो वो लोग क्या वो लोग क्या यू नो मसला को जीतने देंगे तो सिद्धार्थ वाज कंफर्मड इन दैट वे एंड वाज होपिंग ही दिस इज हाउ इट विल टर्न आउट दैट इज व्हाई ही कीप सेइंग तुम्हारा तो तुम्हारा तुम खेलो तुम्हारा तुम बिकॉज़ उन उसके टीम में भी उसको पता है टीम में टीम टीम में टीम हो रही है सब लोग बैक स्टैप कर रहे हैं एक दूसरे को तो यहां पे जो झमूरी की बैंड बज गई थी

वो किया तो अभी क्राइम वेवी क्यों सपोर्ट करेगा सिद्धार्थ के टीम को सो दिस वाज गोइंग टू वर्क इट आउट आई थिंक दैट इज व्हाट सिद्धार्थ वाज प्लेइंग ऑन कि ये आपस में ही लड़ मरेंगे को, कोई एक दूसरे को जीतने नहीं देगा शहनाज को तो जरूरत भी नहीं थी इस चीज की तो सिद्धार्थ शहनाज को हटा के जो बचे हुए दो टीम्स थे वो आपस में ही लड़ मरेंगे एवरीबडी वॉन्ट्स टू नॉक दी अदर वन डाउन तो इट वर्क आउट और कोई नहीं बनेगा जैसे वो फ्रेम वाला टास्क हुआ था याद है पिक्चर जो आग में डालना था कैप्टनशिप का और वो रद्द हो गया सेम 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 फॉर्मूला सो दिस इज हाउ आई थिंक सिद्धार्थ वाज प्लेइंग विद द टीम ही वाज गिविंग यू नो करेक्ट एडवाइस की दूसरे टीम को हर, हराओ और तुम लोग खेलो बट एंड उसमें कोई गलत वो

थैंक यू गाइस देखना ये एपिसोड जाके देखना गाइस ओके 4:45 से 5:30 का सीन देखकर आना ठीक है और वो लाइव भी अपलोड किया है कल का वो भी देख लेना एक बारी ता, ताकि फिर बाकी का टास्क भी समझ में आ आ जाएगा ओ मैन जो ओ जो You know, कड़ी पत्ता ने जो अपने डिसीजन आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे किए हैं सब लोग कॉफी खाना सब कर कर आओ बिकॉज बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा वो करने की क्या कोशिश कर रहा था ओके okay? चलो नो प्रॉब्लम no स्नेहा यू यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट लाइव ठीक है ओके कल कल रिकॉर्डिंग नहीं होगा कल आई एम आई एम बिजी मोस्टली फ्राइडे करेंगे बट आई विल कंफर्म विद अमन स्नेहा और मैं अमन से बात करेंगे ओके okay? चलो हेलो आमन... हाँ जी क्या कहते हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला है फर्स्ट लाइफ पे अराउंड थ्री हंड्रेड कमेंट्स आए हैं तो दिस इज रियली अमेजिंग पहले की तरह बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ हाँ की बातें होंगी तो एंजॉय करेंगे ही ना सो so... ज्यादा कमेंट करिएगा जिससे की Neha ji, ji and chi ji the moderator all motivation bilkul Absolutely. bilkul please sir support Absolutely. bilkul thank you guys god bless you cheers ha ha please neha absolutely counting on it all right bye guys thank you radhika ji take care bye radhika ji sneha ji एंड रुचि जी एंड थैंक यू ऑल जो सुन रहे थे कंटिन्यूसली टू एंड हाफ आवर हमारा लाइव सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको लाइव ठीक है सभी कमेंट करना और चैनल पे नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा थैंक यू